क्या हाल चाल सभी का। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो घर पे? थोड़ा बहुत रिवीजन कर रहे हो? पीपल आर रिवाइजिंग केमिस्ट्री थोड़ा बहुत। या दैट्स गुड, दैट्स गुड। आई होप एवरीबॉडी इज रिवाइजिंग प्रॉपरली। ओके ओके ओके। डिफरेंटली या अमन, अमन आई एम डूइंग गुड बेटा। हाउ आर यू अमन? हाउ आर यू ऋतुजा? दैट इज लाइक यस यस यस, ऑल गुड श्रेय, ऑल गुड एवरीथिंग। या मन एवरीथिंग। अच्छा कल कल टेस्ट है, ये बात पता है कि नहीं पता है? अरे एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। मतलब तुम लोगों का रिस्पॉन्स के हिसाब से तो टेस्ट इजी होगा। कौन सा असाइनमेंट नंबर, कौन सा असाइनमेंट नंबर? अच्छा, थ्री किया। थ्री वॉज इजी सीम्स राइट। एक दो क्वेश्चन में दिक्कत होगा। यस असाइनमेंट थ्री वॉज बिट इजी। नो नहीं याद नहीं है लोगों को? असाइनमेंट थ्री वॉज बिट इजी। चलो अरे मिला नहीं, ऐसे कैसे मिला नहीं भाई? सीन देखा ही नहीं? क्या बात है केशव, इसको टैलेंट बोलते हैं यार कि हमने असाइनमेंट देखा ही नहीं सर। तो मतलब हम करें कैसे भाई? इसको टैलेंट बोलते हैं यार। सिमरन दैट्स कूल, दैट्स कूल। या माज नेटवर्क प्रॉब्लम। ओनली मोल कंसेप्ट, ओनली मोल कंसेप्ट। देर विल बी अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चन, 30। ओके चलो। मैं पहले तो कोई बात नहीं मोहित, कोई बात नहीं। देखो अब आई कीप सेइंग कि क्या होता है पता है, बच्चे लोग 10th के माहौल से बाहर नहीं आते। कि 10th में हमने देखा था, अरे क्वेश्चन रीड करते करते हमको फॉर्मूला क्लिक हो जाता था और हम सॉल्व करते थे। ओके सो इन दैट केस इधर ऐसा नहीं होगा भाई, थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा, थोड़ी तुम कोशिश करो। नहीं आया कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू आउट। लेकिन यार यहाँ पे दिक्कत की बात ये होती है ना। अच्छा वो जो भी किसी को असाइनमेंट में थोड़ा सा हो सकता है एरर, या वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा देर वॉज वन क्वेश्चन, हु हैज रेज द इशू? वो 32 ग्राम वाला कौन था? वो क्वेश्चन रेज करने वाला बच्चा, क्वेश्चन में हु हैज रेज दैट क्वेश्चन? 32 कहाँ से आया? किसी ने तो मुझे व्हाट्सएप किया था। क्वेश्चन में O2 का जो इंफॉर्मेशन था ना, एक सेकेंड ना। हाँ क्वेश्चन में वो क्वेश्चन क्या था बताए? 2 × 10^23 एटम। हाँ उसमें हम लोगों ने 32, उन्होंने क्वेश्चन में दिया था एटॉमिक वेट इज 32, यानी ऑफकोर्स O2 का वैल्यू हो, सल्फर का वैल्यू होगा, एटॉमिक वेट बोला है ना, ग्राम एटम एटम दिया था। या सो वो सल्फर हो सकता है, मुझे पता नहीं। बट क्वेश्चन में किसी ने मुझसे पूछा था, उसे सर्कल करके किसने पूछा था मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो उधर मैंने बोला कि अरे O2 का वेट होगा, लेकिन वो एटम बोला है तो उन्होंने क्वेश्चन में, या कृष्णा, या कृष्णा, अच्छा तुमने पूछा था कृष्णा। अच्छा तो इन दैट केस उधर उन्होंने क्वेश्चन में ही एटॉमिक वेट 32 दिया है। यू डोंट हैव टू वरी, क्वेश्चन में उन्होंने 32 दिया है, सो रिलैक्स। ओके ओके क्वेश्चन में ही 32 दिया है। अभी तुमको कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन समझने होंगे? अभी मैं कल के टेस्ट में सर मैं क्या तैयारी करूं? सर टेस्ट डिफिकल्ट होगा या इजी होगा? ओके सो ये सवाल भी नहीं करना है कि भाई सर टेस्ट इजी होगा या डिफिकल्ट होगा, सर मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। भाई ये ना मतलब सिंपल भाषा में बोलने का तो ये थोड़े से डरपोक लोगों वाली बातें होती है यार, पट्टू वाली बातें होती है। कुछ नहीं, मेहनत करो यार, पहला टेस्ट है, बिंदास अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये श्रेय का सवाल देखो अच्छा है, ठीक है श्रेय का सवाल अच्छा है कि सर टेस्ट पेपर में कौन से क्वेश्चन आएंगे? तो बेटा तुम मतलब बैठे बैठे कुछ काम धंधे नहीं है,
तो तुम मुझसे पेपर लीक करवाओ बस, और बाद में इल्जाम सर पे लगाओ। ओके जिनको भी, हिमांगी मैम यू आर देयर, जिनको भी असाइनमेंट नहीं मिला है, आई थिंक मैम इज देयर और नॉट देयर, यस सर, हाँ जिनको भी असाइनमेंट नहीं मिला है प्लीज अपना हाथ रेज कर लें, या मैम का नंबर मैंने दिया हुआ है, प्लीज मैम से बात करें और तुरंत तुरंत असाइनमेंट ले लें, ठीक है। सो असाइनमेंट थ्री जो है फॉर प्रैक्टिस में, असाइनमेंट थ्री फोर जो भी है, क्वेश्चंस जो कल के टेस्ट में है वो काफी इजी है, सभी के पास हिमांगी मैम का नंबर है, प्लीज हिमांगी मैम को पर्सनली पिंग कर दें कि मैम मुझे असाइनमेंट थ्री नहीं मिला है, सभी को उस प्रसाद का लाभ सभी को होगा, सबको प्राप्ति होगी, सबको मोक्ष मिलेगा, ठीक है। ऑफकोर्स नेगेटिव मार्किंग होगा भाई, नेगेटिव मार्किंग में तो मजा आता है भाई, हाँ तुम लोगों को टेंथ तक आदत थी ना ए अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करने की, अब नहीं होगी भाई वो आदत, हाँ अब बैंड बजोगे, हाउ मच टाइम, डोंट वरी, अरे सब सवाल पूछे जा रहे हैं, इस टेस्ट ओनली ऑन लॉज, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, सर क्वेश्चन कौन सा आएगा वो बता दो, सर खाली बैठे हो तो पेपर ही दे दो, मतलब हाँ पार्ट असाइनमेंट थ्री कुछ लोगों को मिला नहीं है, तो जिनको भी डाउट है वो लोग मुझसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। पेपर में 30 क्वेश्चन होंगे, प्लस 4 माइनस 1 होगा, इसलिए आराम से, तुमसे ज्यादा से ज्यादा क्या मिस्टेक हो सकता है पता है पेपर में, कि तुमसे सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, ओके अब भूमि नो प्रॉब्लम, पहला टेस्ट है तो ऑफकोर्स तुमको पहला लेक्चर है तो ऑफकोर्स तुम्हें टेस्ट देना नहीं है, सो डोंट वरी, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी रीड करना शुरू कर दो, चलो क्या हम लोगों ने, सभी सभी यात्री मुझे ध्यानपूर्वक उत्तर दें कि सभी लोगों ने इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किया है, सभी लोगों ने अभी हम या इंपेरिकल मॉलिक्यूलर, तो सर आज कुछ और क्वेश्चंस देके थोड़ा सा रिवीजन करा देंगे, बट बिफोर दैट क्यों ना हम क्विकली रिवीजन कर लें अपने कल के टेस्ट के लिए, सो दैट वॉट एवर मार्क्स यू गेट, अपनी तैयारी अच्छी होनी चाहिए भाई, ठीक है। सो क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, सबसे पहले एकदम क्विक रिवीजन, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं तुमको, और क्वेश्चन उसी तरीके से कराऊंगा जो कल के टेस्ट में फ्रूटफुल होगा, ओके। ऑफकोर्स तुम बुक्स रेफर कर सकते हो, लेकिन सी टू इट कि जो भी क्वेश्चन तुम करोगे हमने डिस्कस किया है वही लेवल के क्वेश्चन करो, ठीक है। वरना बोलोगे पढ़ते पढ़ते सर ये कंसेप्ट मेरे सामने आया, सर मुझे समझा नहीं, सर ऐसा कुछ नहीं करना है, ओके रोते हुए नहीं बैठना है। मोस्ट इजी विल बी द एम्पिरिकल वन, उससे भी इजी विल बी कैलकुलेशन, मोल वगैरह, ग्राम एटम, चलो फटाफट फटाफट रिवीजन कर लेते हैं सभी ऑल स्कॉलर पीपल। लेकिन यार मेरी एक शिकायत है यार तुम लोगों से, मेरी एक मतलब मैं एक बात को लेके नाराज हूं तुम लोगों से, अभी तुम लोग ने आइडियली तो पूछना चाहिए कि सर कौन सी बात से आप हमारे नाराज हो, हमने ऐसा क्या किया, हाँ कुछ लोग पूछ रहे हैं भाई, चलो अच्छा लग रहा है, तो कौन सी बात से यार तुम लोग ने थोड़ा थोड़ा या श्रेय देखो कितना अच्छा बच्चा है, बोलता मत बताओ, मतलब आप नाराज हो क्या फर्क पड़ता है, मत बताओ हमें जानना भी नहीं, श्रेय बेटा तू क्लासरूम में नहीं, जिस दिन क्लासरूम में मिलेगा ना बेटा तेरा फोटो मैं OLX पे डाल दूंगा तू देख से, हाँ अरे मतलब एक एक छोटा सा गुनाह कर दिया यार तुम लोगों ने, मतलब यार प्रॉब्लम से डरते तुम लोग बहुत हो, मतलब कुछ लोग ब्रेक दे दो तो उसमें से 10-12 लोग गायब हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, वी आर फाइटर्स, ओके तुम लोग डरते बहुत हो यार, तुम लोग डरते बहुत हो, ये गलत बात है यार, डरने का क्या जरूरत है समझ में नहीं आता है, श्रेय फॉर सेल, हाँ ये देखो क्वेश्चन विल कम फ्रॉम असाइनमेंट, क्वेश्चन विल कम फ्रॉम कौन सा बुक, ये बुक वो बुक, हाँ अभी नहीं डरेंगे डराएंगे, बराबर यही एटीट्यूड होना चाहिए भाई, मतलब क्या होता है पता है हार्ट ब्रेकिंग चीज ये होती है कि मतलब कुछ लोग गायब हो जाते हैं, अरे गायब होके तुम कंसेप्ट मिस कर दोगे तो इन दैट केस कंसेप्ट तुमको आगे और डराएगा, जो भी उठा पटक करनी है वो वही यही करनी है, पटको क्वेश्चन को उठा उठा के पटको, एक बार नहीं समझेगा दो बार नहीं समझेगा आई एम देयर ना, तीसरी बार नहीं समझा हम मिलके चौथी बार डिस्कस करेंगे,
अरे ट्वेल्थ वाले बच्चे तो 12 बजे, मतलब हम लोग एक क्वेश्चन को 12:15 बजे डिस्कस कर रहे थे, ट्वेल्थ का बैच बेचारा सॉल्व कर रहा है, सर वैसे भी उसने देखा होगा सर ऑनलाइन बैठे हुए, चलो नॉक नॉक, तो सर ने फोन ही कर दिया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, डरना नहीं है। चलो फटाफट बता दो, व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, क्या बात है, हम लोगों ने टोटल कितने लॉ किए थे केमिकल कॉम्बिनेशन के, टोटल कितने लॉस किए थे केमिकल कॉम्बिनेशन में, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, वेरी गुड, कितने लॉ किए थे केमिकल कॉम्बिनेशन के, 5। गे-लुसैक्स लॉ भी गिन लो भाई, वो क्या प्राणी नहीं है, वो क्या प्राणी नहीं है, तो सभी लोग टोटल 5 लॉ, यस यस यस, डरना नहीं है, मुझे डरपोक बच्चे पसंद नहीं है, डरना नहीं है, डरपोक बच्चे पसंद नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ फ्रॉस्ट, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, वेरी गुड वेरी गुड, इट इज फॉल्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज डिस्कवर्ड बाय डेल्टन, है ना, याद करो डेल्टन, याद आया डेल्टन, अच्छा फॉल्स आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, अच्छा तो तुम ही नाम बता दो, चलो इतना इतना बोल रहे हो तो चलो तुम ही नाम बता दो, हाँ पार्थ दैट्स करेक्ट, बट आगे का नाम लिखने को थोड़ा दिक्कत हो रहा है वेदांत, है एंटोइन लेवोजियर, लेवोजियर हाँ जी, एंटोनियो नहीं, एंटोइन लेवोजियर, एंटोनियो डिसिल्वा स्कूल है भाई, एंटोइन लेवोजियर, ठीक है ठीक है ठीक है, एंटोनियो लेवोजियर, हाँ नामकरण ही बदल दो, मतलब हम प्रूफ कर दो कि हम इंडियन है, मतलब उसने कोई और नाम लिया होगा, ठीक है हम इंडियन, उसका नाम ही बदल देंगे, ठीक है हाँ बस बस यही रोड है, यही रह गया अपना, चलो तो हाँ मतलब ये मुझे मतलब फ्लैशबैक में ले जा रहा है कि भाई एक स्टेशन का नाम अपने हार्बर लाइन में, एक रेलवे स्टेशन का नाम है कि सैंडहर्स्ट रोड, सैंडहर्स्ट रोड, ओके सैंडहर्स्ट, अंग्रेजों ने वो नाम रखा था, ठीक है अंग्रेजों ने नाम रखा था सैंडहर्स्ट रोड, अब हम हिंदुस्तानियों ने उसके नाम की ऐसी बैंड बजाई है, बस बस कौस्तव बस, मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाह रहे हो, तो एग्जैक्टली एक्चुअली सभी समझ गए कि क्या बोलना चाह रहे हो, तो प्लीज ऐसे मतलब अजीब अजीब अभद्र बातें ना करें, बट इट इज एंटोइन लेवोजियर, ठीक है उसकी आत्मा को तड़पाओ मत, ठीक है टिकट लेते वक्त वो टिकट काउंटर पे बैठा हुआ उस आदमी ने वो नाम, मतलब इतना बुरी तरीके से उसका नाम लिया जाता था, वो बेचारा मतलब सदमे में आके मतलब परेशान हो गया, हर सुबह उठता था टिकट काउंटर पे बैठता था तो उसको क्या नाम सुनने को मिल रहा है सोचो, मतलब खत्म कहानी खत्म, उसका पूरा दिन खराब, वो उसने उसकी आत्मा मरेगी नहीं, नाम सुन सुन के सड़ जाएगी, चलो ठीक है, मतलब ऐसे सब शी 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 सर को तुम लोग खराब कर रहे हो धीरे धीरे, मतलब बस मतलब गायत्री चुके बेटा, नहीं समझना है अपने अपने को, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस ये सोचना है कि सैंडहर्स्ट रोड मतलब नाम बदल दिया, इट्स ओके सो हम दैट्स ओके, चलो बैक टू द डिस्कशन, उसके बाद एंटोइन लेवोजियर ने कहा कि भाई जब भी तुम जीवन में रिएक्शन लिखोगे तो उसे डैश करो, मतलब कट करो, नहीं बैलेंस करो बाय द एंड ऑफ, अरे ये कौन धमकी दे रहा है भाई, कौन है ये, हाँ अद्वय बराबर बराबर, बिगाड़ दो बस सर को, बस यही रह गया है, बराबर मतलब पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि सर बिगड़ गए बच्चों की वजह से, ठीक है रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट, बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है। हु वाज न्यू स्टूडेंट जिनका पहला लेक्चर है, ठीक है जिस बच्ची का पहला लेक्चर है, हाँ हाइजेनबर्ग, आई थॉट ऑफ बाइंग दैट हाइजेनबर्ग वाला गॉगल, आई मीन ग्लेयर, या भूमि, भूमि देर इज वन मोर सेशन, तो तुम उसमें भी अभी भी बैठो, और नेक्स्ट सेशन जो है ना वो थोड़ा सा ये बैच के पीछे, तुम उसमें भी लेक्चर बैठो बेटा, वो थोड़ा सा तो यू विल लर्न मोर, मतलब और बेसिक्स अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आया लॉ ऑफ, क्या था लॉ ऑफ constant proportion, that was discovered by yes Joseph Frost, very good, क्या बात है,
जो उसने क्या बोला था लॉ में स्टेटमेंट क्वेश्चन में कल के पेपर में ऐसा भी आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ एनी लॉ. तो मैं तुमको स्टेटमेंट दूंगा, तुमको पता करना है कौन सा स्टेटमेंट एबीसीडी में से करेक्ट है. ठीक है, ठीक है. उसके बाद उसने बोला कि CO2 कैसे भी बनाओ, CO2 कैसे भी बनाओ, भूमि ध्यान से सुनना, CO2 बनाने के बहुत अलग अलग मेथड है, बहुत अलग अलग मेथड है, बट CO2 का जो प्रपोर्शन है 3:8 वो उतना ही रहेगा कैसे भी बनाओ. एम आई क्लियर विद दिस? Am I clear with this? Irrespective of its source or method of preparation, क्या बात है एकदम. कुछ बच्चे डरते हैं बट बाकी तो एकदम धुएंदार बच्चे हैं. वेरी गुड. 2023 में अपन रैंक निकालेंगे. देखो नेक्स्ट. उसके बाद आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय फैल्कन द विंटर सोल्जर या डेल्टन. हाँ डेल्टन, सॉरी ओके डेल्टन. यस 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 डेल्टन 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 क्या बोला था, क्या बोला था? मल्टीपल प्रोडक्ट बनेगा अगर एक के मास को फिक्स रखो और दूसरे के मास को चेंज करो. एक के मास को फिक्स रखो, दूसरे के मास को चेंज करो. यस. उसके बाद बारी आई चौथे प्राणी की, जो था जिसको पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है, विच वर्स ट्राइंगुलर लव स्टोरी. कौन सा बच्चा, एक तो बेचारा फॉस्फरस के पीछे पड़ा हुआ है, मेरे को व्हाट्सएप पे भी उसी क्वेश्चन के पीछे पड़ा है, उसकी आत्मा अटक गई है उस क्वेश्चन पे, लेकिन आज उसको उसको आंसर नहीं मिल पा रहा है और मैं उतना इजी आंसर देने के मूड में नहीं हूँ उसको. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन. सो हु डिस्कवर्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन? हु डिस्कवर्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन? वेरी गुड. रिची रिच नहीं बे श्रेय, रिचर. हाँ रिची रिच लिखता है, बहुत मार खाएगा, बहुत मार खाएगा श्रेय, बहुत मार खाएगा. बेटा तू ज्यादा ज्यादा बात किया ना बेटा, तेरे को ऑन सेल में इस पे भी डाल दूंगा. ओएलएक्स के बाद कौन सा था? हाँ बराबर बराबर. नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. ओके चलो. उसके बाद आया गेलुजैक्स लॉ. हाँ क्विकर, एकदम क्विक क्विक सेल हो जाएगा भाई. ओके गेलुजैक्स आया. द गेलुजैक्स लॉ वॉज I should not take it discovered by whom. Sometimes I forget कि lecture में recording चल रहा है. कोई बात. Okay. उसके बाद जो मोल्क के बहुत सारे formulas किए थे. ठीक है. मोल के बहुत सारे formulas थे. हाँ हाँ. This point. Gay-Lussac's law is applicable only on solids and liquids. Correct. 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 अभी ठीक है. अभी ठीक है. Am I audible? Am I visible? या screen freeze हो गया? Hands up हो गया? Hands up. Only gases. She. कैसे कैसे लॉ बनाते हैं. ठीक है. द लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन गैसेस. यस 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 यस. तो कभी तुम्हारे सामने ऐसी कोई गैसेस की दिक्कत आ गई तो समझ जाओ विच लॉ इज अप्लाइड देयर. ठीक है. वो अंकल को बोल देना, अंकल यू स्ट्रिक्टली फॉलो गेलुजैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम. ठीक है. वो उनको समझेगा नहीं और अपनी भड़ास भी निकल जाएगी, बोलने का नहीं किसी को. ठीक है. या सो इन दैट केस moving to the next, applicable to gases only. भाई अपना ओमकार बंदा एकदम तेंदुलकर है भाई, solid homework करता है और एकदम सही लिखता है presentation. What did I left to write? बुशरा हम लोगों ने एक topic already कर लिया बेटा, इतना late क्यों join किया? एक topic लिख के देखो, हमने erase भी कर दिया. कहाँ थे आप इतनी देर से बुशरा? Time पे आने का बेटा. कितना लेक्चर कितने बजे का था? देखो 1:30 का लेक्चर था. ऐसे मत किया करो, टाइम पे आया करो. ओके सिमरन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा इफ आई से ऑल सिलेबस कंप्लीटेड. ओके कंट्रोल ओम ओम कंट्रोल बेटा. हाँ ऑन फायर पक्का कृष्णा? नहीं भाई, एवरीथिंग इज नॉर्मल. ओके कौन सा लॉ बता दू? यू डिंट अंडरस्टैंड गेलुजैक्स लॉ? ओके सो गेलुजैक्स लॉ ने अपने को क्या बोला कि ये लॉ सिर्फ गैसेस पे एप्लीकेबल है. बुशरा ये अभी लिखना भूलना मत बेटा. ओके पहले का पार्ट फिर तुम रिकॉर्डिंग में से देख लेना.
ठीक है हाँ, सो एन टू गैस, एच टू गैस, फिर एनएच थ्री गैस, इफ ओनली वन एटम इज गिवेन सच एज अथर्व, जस्ट होल्ड ऑन, आई विल कम टू योर क्वेश्चन, सॉरी जस्ट होल्ड ऑन, हाँ यहां गैस ही गैस है बेटा, ठीक है हाँ हाँ, नुस्ता गैस हो, नुस्ता गैस आए इतने, ओके ओनली गैस, सो इसने क्या बोला, अभी क्वेश्चन के टाइप मैं तुमको बताता हूं, ठीक है, तो हम लोग आज का लेक्चर ऐसे ही रखेंगे कि कल के टेस्ट में हमें बहुत से ज्यादा फायदा हो, पहला रिवीजन हम इसी एंगल पे करेंगे, ओके हाँ, मे नॉट बी, अगर गे-लुसैक्स लॉ में कुछ लोग रिएक्टेंट गैस है या प्रोडक्ट में कुछ लोग गैस है, तो मैं सिर्फ गैस के सिस्टम को ही कंसिडर करूंगा, ओके ना सॉलिड को ना लिक्विड को, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो यहां रेशियो क्या है, 1:3:2, दिस इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो, 1:3:2, हाँ लेटर वैष्णवी, थर्ड असाइनमेंट लेटर करेंगे बेटा, ठीक है ठीक है, थर्ड असाइनमेंट थोड़ा लेटर करेंगे, ठीक है आगे बढ़े, ओके वैष्णवी यू हैव सॉल्व द थर्ड असाइनमेंट बेटा, हाउ वाज द थर्ड असाइनमेंट, वाज इट इजी, गुड, बैड, अगली, अरे अभी लेक्चर के समय ना तुम लोग मुझे डाउट्स पोस्ट मत करो, क्योंकि मेरा ना स्क्रीन मतलब मोबाइल स्टैंड पे रहता है, सो आई कैन नॉट ओपन दैट, ठीक है ठीक है, हाँ 1:3:2 क्लियर हो गया, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, सो इसने क्या बोला, इसने बोला कि इसी मोल को गैसेस के भाषा में लिखा, वन वॉल्यूम ऑफ एन टू रिएक्ट विथ थ्री वॉल्यूम ऑफ एच टू टू गिव टू वॉल्यूम ऑफ एन एच थ्री, ओके टू वॉल्यूम, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वन वॉल्यूम मतलब क्या होगा, वन वॉल्यूम इज नथिंग बट 1:22, अगर मैं इसको एस टी पी पे लू तो 22.4 dm³, 3:22.4 dm³, STP लिया है ना तो 22.7 होना चाहिए, मैं इसको NTP कर देता हूं, ओके और ये हो जाएगा 2:22.4 dm³, ओके यानी इनको अगर वॉल्यूम की भाषा में भी सॉल्व करोगे ना तो द रेशियो विल रिमेन 1:3:2, रेशियो विल रिमेन 1:3:2, यहां पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, NTP का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, व्हाट इज NTP फुल फॉर्म, dm³, it is yeah, it's normal temperature pressure. Vedant, you want to say something? अरे अभी म्यूट नहीं हूं, अभी आवाज आ रहा होगा। श्रद्धा अभी आवाज आ रहा है, अभी आवाज आ रहा है श्रद्धा, हम ये लॉ क्यों यूज करते हैं ये नहीं समझा, अच्छा ये लॉ हम क्यों यूज करते हैं, ओके क्योंकि हम गैसेस के बीच का रिलेशन सिर्फ एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जो इनका मोल्स है 1:3:2, इसको हम लोग वही वॉल्यूम का रेशियो भी होगा, हम लोग सिर्फ इसको वॉल्यूम के टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके ओके अनीशा और कुछ नहीं बोला था बेटा, मैं सिर्फ पूछ रहा था समझा या नहीं समझा, यहां पर अगर तुमको याद होगा एस टी पी पे
टेम्परेचर हम लोगों ने 0 degree Celsius लिया था, विच इज 273 Kelvin. याद है बच्चों प्रेशर कितना था? प्रेशर कितना था याद है बच्चों को? एसटीपी पे, एसटीपी विधि, विधि विधि, इट इज एसटीपी विधि, एसटीपी विधि. या गायत्री, दैट्स करेक्ट. और भी लोगों ने ये आंसर दिया, दैट्स करेक्ट. 0.987 atmosphere, करेक्ट करेक्ट. इसको तुम सॉल्व करके देखना, ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का फॉर्मूला लगाने का. एन की जगह 1 डालो, प्रेशर टेम्परेचर है, वॉल्यूम ढूंढना है, आर की जगह 0.0821 लगाने का. ये कांस्टेंट, आर का वैल्यू कांस्टेंट है, ये कभी बदली नहीं होगा. तुमको ये कैलकुलेट करना है तो तुम लिखोगे वी इज इक्वल टू एनआरटी बाय पी. वैल्यू डालो, वैल्यू डालो, ठीक है. आर इज अ कांस्टेंट जिसका यूनिट है एटीएम लीटर. डोंट वरी, अगर ये वैल्यू नहीं समझ में आया, कैसे आया, कहां से आया, तो फॉरगेट अबाउट इट. ओके, ठीक है. तुम यहां पे सिर्फ आंसर वॉल्यूम के लिए ये वैल्यू डाल दो, आर की जगह 0.0821, टेम्परेचर की जगह 273 केल्विन, प्रेशर की जगह 0.987 एटमोस्फियर. तुमको यहां वॉल्यूम कितना मिलेगा? 22.7 dm³. मतलब क्या डीएम क्यूब? मतलब क्या लीटर्स? यस. अभी तुम जब क्वेश्चंस करोगे ना बच्चों, मेरी बात सुनो, ये जो असाइनमेंट थे ना, ये थोड़े से पुराने असाइनमेंट है, ओके, जो हम लोग एवरी टाइम भी यूज, लेकिन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी टेस्ट में नहीं आएगा. मैं सिर्फ तुमको ये बता दे रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए मैं तुमको वही एक रिएक्शन दूंगा जहां पर बैलेंसिंग नहीं है, तो तुमको बैलेंसिंग करना पड़ेगा उधर. ठीक है, ठीक है किड्स, ओके. सो ये हो गया. और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में क्या करना है अपने को? पी को वैल्यू क्या ले लेना है? पी का वैल्यू ले लेना है 1 atmosphere. ओके, आर इज कॉल्ड एज गैस कॉन्स्टेंट. तो प्लीज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के फॉर्मूले में अभी मत घुसो. मैं उसको बाकायदे PV is equal to NRT कैसे आया, I'll be explaining you that part in detail, not now, but इसी chapter में आराम से आगे explain करूंगा. ठीक है, ये इतना part clear हो गया बच्चों, इतना part clear हो गया. चलो अभी हम लोग ये 10^21 molecules वाला question आ गया सभी को. 200 milligram 10^21 molecules was removed. Yes. Okay. So, हम लोगों ने empirical molecular formula किया था, right? उस पे question दे दू, solve करोगे. Question दू, उस पे solve करोगे. Carbon, hydrogen, oxygen. चलो, let's start doing this. Carbon, hydrogen, oxygen. 24.27, 4.07. 71.65 मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, या जिसे हम लोग कहते हैं मोलार मास, मॉलिक्यूलर वेट 98.96 ग्राम. सॉरी, दिस इज क्लोरीन नॉट ऑक्सीजन, लास्ट वाला क्लोरीन है. ट्राई करो, क्विक रिवीजन बच्चों, क्विक रिवीजन. आज मैं कुछ थोड़ा सा अलग भी तुमको सिखाऊंगा. क्विक रिवीजन. एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन पीछा बाकी लोग 35.5. एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5. या दैट्स ग्रेट. क्या बात है. पुष्कर इज देयर इन दिस बैच. एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों निकालना है. कम ऑन एवरीवन, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों निकालना है. एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों निकालना है बच्चों. कम ऑन. प्रॉब्लम से डर के मत भागो. भागना नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता बच्चे डरते हैं. भागना नहीं है, प्रॉब्लम को भगाना है.
Okay. Yeah, Jay is coming with an answer. That's great, Jay. Very good speed. क्लोरीन का 35.5 है. मैं लिख दूं यहां पे, मैं लिख दूं यहां पे, क्लोरीन इज 35.5, दिस इज 1 एंड दिस इज 12. या विमी इज ऑल्सो कमिंग विथ एन आंसर. ओके विमी, आई के नॉट गिव योर क्वेश्चन मार्क का आंसर बेटा. वेदांत, वेदांत याश्रे, वेदांत, दिस इज क्लोरीन नॉट ऑक्सीजन. मैंने करेक्शन किया था बेटा. इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ, इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ. I think people are saying empirical formula is CHCl2. Yeah, CH2Cl. CH2Cl. Very good. Molecular formula kya aaya bachcho? Molecular formula kya aaya? Molecular formula C2H4Cl. C2H4Cl. This is your answer and this answer is correct. This answer is correct. Okay? Purana method refer karo bachcho. You're not supposed to surrender. Alag-alag cheeze ho. Kuch logo ko ek minute mein aa jayega to kuch logo ko shayad 2-3 minute mein. But utna time do usko. Koi baat. My voice is not clear. Abhi awaaz aa raha hai clear. Is it audible now? अभी आ रहा है आवाज? अभी आ रहा होगा आवाज. अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है. या ओके. अभी तुमने मुझे फटाफट स्टेप बताओ, क्या किया तुमने? हम लोग फटाफट स्टेप देख लेते हैं. ओके, क्या किया? अरे चैतन्य सेइंग C3H6Cl3. चैतन्य 3 से मल्टीप्लाई किया है एंड 2 से मल्टीप्लाई किया. एन का वैल्यू शुड बी 2, राइट? या अमन, आई एम डूइंग दैट बेटा, आई एम डूइंग दैट, डोंट वरी. सबसे पहले क्या करेंगे? रिलेटिव रेशियो निकालेंगे, आरआर. रिलेटिव रेशियो कितना आएगा? 24/0.27/12, 4.07/1, 71.65/35.5. जल्दी, पहले वाले का वैल्यू क्या आया? पहले वाले का वैल्यू कितना आया? 2. पहले वाले का वैल्यू क्या आया? 2.02. ओके, जिसको मैं एक्चुअली 2 ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, दूसरे वाले का वैल्यू कितना आया? 4.07. ऑफ कोर्स, जिसको मैं 4.04 ले लूंगा. ठीक है, तीसरा का वैल्यू कितना आया?
2.01 जिसको मैं ले लूंगा 2, ओके, सो 2, 4 और 2, सबसे छोटा वैल्यू कौन है, सबसे छोटा वैल्यू कौन है, RR के बाद आता है SR, सबसे छोटा वैल्यू कौन है, हु इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, 2, 2 से सबको डिवाइड करोगे तो आएगा 1, 2, 1, अमन समझा बेटा, अमन अमन यू आस्क्ड मी टू सॉल्व इट, समझ में आया, समझ में आया, यस, तो अभी मुझे EF आया CH2Cl, EF वेट कितना आया बच्चों, EF वेट कितना है, कम ऑन गाइस, EF वेट कितना है, EF वेट 49.5. सिंपल रेशियो में जो भी छोटा वैल्यू है हर एक को उससे डिवाइड करना है, हर एक को उस वैल्यू से डिवाइड करना है, वॉट एवर वैल्यू, वॉट एवर आंसर यू गेट, ओके, 49.5 मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 98.96, तो n का वैल्यू क्या आएगा 98.96 अपॉन 49.5, कितना आएगा n का वैल्यू, शाबाश, ऐसा स्पीड चाहिए, ऐसा स्पीड चाहिए, बिंदास करो, ओम स्पीड पे कभी इनिशियल फेज में क्वेश्चन पढ़ते वक्त सिद्धे जस्ट 2 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अगर लेट होता है ना, जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डिले हो रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको उतना टाइम तो अपने आप कंफर्टेबल हो जाओ। और एक क्लोरीन इज 35.5, अमन इंपिरिकल फॉर्मूला वेट 49.5 कैसे आया, ये ऐड करो, ओके, अभी ठीक है, आवाज क्लियर आ रहा है मेरा, आवाज क्लियर आ रहा है मेरा, हाँ अथर्व, अथर्व देता हूं आंसर, रुको रुको ये कंप्लीट कर लू, तो उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी एन इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला, ओम आई वॉज एक्सप्लेनिंग कि तुमने कहा कि सर मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, सो उसको सॉल्व करते समय उतना टाइम दो, अच्छा क्या 98.96 डिवाइड बाय 49.5 अप्रोक्सीमेटली 2 आ रहा है ना कोल नंबर, तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ठीक है, यहां पर रिलेटिव रेशियो तुमको 2.02 को 2 कर लो कोई दिक्कत नहीं है, 4.07 को 4 कर लो, 2.01 को 2 कर लो, क्योंकि 1.92 को 2 कर लो, हाँ 1.92 इज क्लोज टू 2 ओनली ना, तो वो हम लोग वैल्यू ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इज दैट क्लियर गाइस, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, अच्छा किसने अभी सवाल पूछा था, नंबर ऑफ एटम्स किसने पूछा था, सिद्धेश किसने पूछा था, सिद्धेश व्हाट वाज योर क्वेश्चन, आई थिंक सिद्धेश ने पूछा था, किसने पूछा था वो क्वेश्चन, हाँ अगर हाँ सिद्धेश ने ही पूछा था, ओके एक मिनट रुक जाओ, अगर मुझे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स होल नंबर आया तो क्या फर्दर डिवीजन करना जरूरी है, हाँ रिलेटिव रेशियो होल नंबर ही आएगा, इसमें सबसे छोटा, अपने को सिंपल रेशियो लेने का है सिद्धेश, या पे 242 जो भी आया दैट इज नॉट योर सिंपल रेशियो, इंपेरिकल फॉर्मूला इज ऑलवेज अ सिंपल रेशियो, सिद्धेश समझ में आया, यानी ये स्टेप करने के बाद इसमें जो भी छोटू वैल्यू है, जो भी छोटू वैल्यू है उन सबको उस छोटू वैल्यू से डिवाइड करना है, ओके उन सबको उस छोटू वैल्यू से डिवाइड करना है, इज दैट ओके, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है या ब्रेक हो रहा है, ओमकार ओमकार समझ में आया क्वेश्चन, ओमकार ओमकार बोर्डर समझ में आया, हाँ वो नेटवर्क अप डाउन होगा तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, फोर नाइन्टी फाइव कैसे आया नहीं समझा, 49.5 इसको ऐड करो ना,
इसको ऐड करो, तुमको समझ में आएगा 49.5 कैसे आया, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो 49.5, इंपेरिकल फॉर्मूला का वेट ऐड करने का 49.5। हाँ, डेसिमल 2.02 अवॉइड कर लेना ज्यादा बेटर है, बिकॉज क्लोजेस्ट इज टू ओनली, तो 2.02 लेके क्या करोगे, 4.07 शुड बी टेकन एज 5। अच्छा, मतलब तुमको किसी को 4.07 पे रुपए देने हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब तुम उसे 5 रुपए दे के आ जाओगे, सही है? नो श्रद्धा, 99.99% आ रहा है, मतलब उसके लिए बचे कुचे के ऑक्सीजन नहीं डालना है, ऑक्सीजन तभी डालना है जब अच्छा खासा डिफरेंस होगा। अच्छा, someone is saying empirical formula weight is 48.5, जरा चेक करो। मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में दिया था, मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में दिया था, ये मत बोलो मॉलिक्यूलर वेट कहां से आया, ओके, मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में दिया था, डोंट से मॉलिक्यूलर वेट कहां से आया, ओके, इट इज 49.5 है, बिकॉज देर आर टू हाइड्रोजन जिसका वैल्यू 2 है, इज दैट ओके, इज दैट ओके। चलो मैं अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जो डिटेल दिया है वो ऐसे लोगों का डिटेल है जिसके बारे में तुम्हें पता है, ठीक है, सो तुम गेस करो क्या बनेगा। सो सोडियम सल्फर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसका परसेंटेज दिया है 14.28, नेक्स्ट वाले का परसेंटेज है 9.92, 6.20 एंड 69.60। इसका एटॉमिक मास है 23, 32, 1 एंड 16। तुमको एटॉमिक मास भी बता दिया, ठीक है, चलो ट्राई करो, चलो बिंदास ट्राई करो, ज्यादा से ज्यादा रॉन्ग होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास ट्राई करो, ऑल डियर किड्स बिंदास ट्राई करो, कम ऑन किड्स, बिंदास ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऋतुजा, यू फाइंड द क्वेश्चन टू बी डिफिकल्ट बेटा। हाँ, भूमि, सबसे पहला स्टेप होता है रिलेटिव रेशियो, ये परसेंट, ये एटॉमिक वेट, तो रिलेटिव रेशियो कैसे निकालोगे, परसेंट को डिवाइड करो एटॉमिक मास से। हाँ यश, अगर टोटल परसेंटेज 99.82 आ रहा है तो इग्नोर दैट परसेंटेज डिफरेंस, अगर अच्छा खासा होगा ना 10-20, मतलब टोटल एडिशन किया तो 90 आ रहा है, तो बचा कुचा एडिशन है, और कितना ऑक्सीजन ऐड करेगा मेरा भाई, अंडरस्टूड, कम ऑन बच्चा लोग, डरना नहीं है, क्वेश्चन आज डराएगा उसको पटको, कल हम क्वेश्चन को डराएंगे, याद रखो, कलम क्वेश्चन को डराएंगे। ओके, वैल्यू क्या मैच हो रहा है,
जो भी तुम्हारा वैल्यू आ रहा है उसका सिंपलेस्ट कुछ बन सकता है क्या? देखो मतलब कितना बोल रहे हो, Na सोडियम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कितना आ रहा है? X20O14 Na2 सल्फर 1 बराबर बराबर बराबर। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में दिया है, एक सेकेंड ना, क्वेश्चन में इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है 322। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में दिया है 322। एवरीवन मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में दिया है 322। मॉलिक्यूलर वेट इज गिवन इन द क्वेश्चन 322। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। ये सभी को आया, दिस वैल्यू इज करेक्ट, दिस वैल्यू इज करेक्ट। O14 है या O4 है? O14 है या O4 है? O14 बोल रहे हैं सभी लोग, O14 बोल रहे हैं। ओके तीशा, ओके। ओम ऑल्सो सेइंग O इज 14, ओम ऑल्सो सेइंग O इज 14। या कौस्तुब इज ऑल्सो सेइंग, ईशान इज ऑल्सो, मतलब ये O14 है। वेरी गुड वेरी गुड। अदवाइज आई विल एक्सप्लेन, पहले ये कर लो। या कृष्णा दैट्स करेक्ट। That's correct. So, यहाँ पे क्या किया, 14.28 by 23, 9.92 by 32, 6.21 by 1 and 69.60 by 16. Come on, come on, come on. इसका इसका वैल्यू कितना आ रहा है? जीरो पॉइंट सिक्स टू। ओके सेकेंड वाले का वैल्यू क्या आ रहा है? सेकेंड वाले का वैल्यू क्या आ रहा है? 0.31 0.31। थर्ड वाले का वैल्यू क्या आ रहा है? वेट वेट वेट, थर्ड वाले का वैल्यू क्या आ रहा है? 6.2। अच्छा ऑफकोर्स ये तो देखना चाहिए था। फोर्थ वाले का वैल्यू क्या आ रहा है? फोर्थ वाले का वैल्यू क्या आ रहा है? 4.35। सबसे लोवेस्ट कौन है? सबसे लोवेस्ट कौन है? अब आई वांट टू रिमूव सिंपल रेशियो, सबसे लोवेस्ट कौन है? 0.31। दैट्स करेक्ट। तो सबको 0.31 से डिवाइड करो, 0.62 बाय 0.31, 0.31 बाय 0.31, फिर उसके बाद 6.2 बाय 0.31, फिर आएगा 4.35 upon 0.31। ओके सो क्या हो जाएगा ये? यस यस, आंसर एवरीवन, आंसर एवरीवन। 2 1 10 14। ओके 2 1 20 and 14 बराबर बराबर। आई थिंक तुमको जो इंपिरिकल फॉर्मूला आया ना, वही तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ओके तीशा सेज एन इक्वल टू टू। तीशा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट निकालो। तीशा कम ऑन कम ऑन। तीशा एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट निकालो बेटा। तीशा एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। या एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका वेट कैलकुलेट करो। ओमकार ओमकार बोर्डर्स, ओमकार इज देयर इन द सेशन। ओमकार 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 322 ग्राम। दैट्स करेक्ट दैट्स करेक्ट। इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एंड आई थिंक अभिजीत हैज गिवन द आंसर। हु हैज गिवन द आंसर? इसका एक्चुअल फॉर्मूला सेम है बट एक्चुअली क्या है वो? एक्चुअली क्या है? व्हाट इज द कंपाउंड? या somebody has given the answer. I think yeah, Nikita also gave the answer. Yes, yes. Zui also gave the answer. Very good, very good. So, iska actual compound hai Na2SO4.NH2O. Hey.
है ना, वही चीज आ रहा है ना, देखो ना 10H2O मतलब 20 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इधर 4 यूज हुआ इधर 10 यूज हुआ, तो इट्स वन एंड द सेम हाइड्रेटेड सॉल्ट। यस मधुरा हाइड्रेटेड सॉल्ट, क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया। डायरेक्ट मॉलिक्यूलर वेट देंगे, डायरेक्ट मॉलिक्यूलर वेट देंगे, या तो वो लोग हमें और क्या देंगे मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए, जल्दी सोचो, या तो वो लोग हमें और क्या देंगे मॉलिक्यूलर वेट या वेदांत। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अरे पूरा तो लिख दिया होता, वेपर डेंसिटी। यस तीशा यू अंडरस्टूड बेटा एन का वैल्यू क्या आएगा, तीशा यू अंडरस्टूड एन का वैल्यू क्या आएगा बेटा, वेपर डेंसिटी देंगे। यस यस, और एक क्वेश्चन दे दूं, ओके और एक क्वेश्चन हो जाए, और एक क्वेश्चन हो जाए बच्चों। यस यस, प्रैक्टिस से ही अपना इंप्रूवमेंट होने वाला है, प्रैक्टिस से। एक क्वेश्चन ने किसी भी स्कॉलर को रैंक लाने में हेल्प नहीं किया। थर्ड असाइनमेंट में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे भाई, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे थर्ड असाइनमेंट में। ओके ओके बच्चा लोग एकदम एकदम आराम से प्रैक्टिस करेंगे। ओके कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग सिर्फ साथ दो, हम लोग एंड तक तबाही मचाते रहेंगे। सो कार्बन 41.37%, देन इट्स हाइड्रोजन 5.75%, देन इट इज नाइट्रोजन 16.09%। ओके इनका एटॉमिक वेट है 12, 1 and 14, और इन्होंने यहां पर वेपर डेंसिटी दे रखा है 43.3। चलो शुरू हो जाओ, मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए। ऑफकोर्स उन्होंने अगर वेपर डेंसिटी दिया है तो अपने को इधर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए। कमॉन शुरू हो जाओ, शुरू हो जा। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन परसेंट कैलकुलेट करो, अगर परसेंट 100 नहीं है और बड़ा डिफरेंस है तो कौन सा बंदा आएगा? याद करो मैंने क्या बोला था, या समझ में आया? तो कितने का डिफरेंस आ रहा है जल्दी बताओ, कितने का डिफरेंस आ रहा है, बचा कुचा कौन होगा? समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन भी मिलना चाहिए ना भाई, जहां पे परसेंट 100 नहीं आ रहा है और अच्छा खासा डिफरेंस है तो हमें ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा। तो डिफरेंस कितना है, निहारिका सेज 36.79 का डिफरेंस है, निहारिका इज सेइंग 36, वेदांत इज ऑल्सो सेइंग 36.79 का डिफरेंस है, सो आई विल राइट 36.79। बच्चा लोग समझा, बच्चा लोग समझा, डायरेक्ट इसको कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन लेके करने की कोशिश मत करना, समझा? एवरीबॉडी क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर, हम आराम से स्लो जा रहे, कोई परेशानी नहीं। हाँ बिकॉज आलोक ऑक्सीजन जो है ना, कार्बन हाइड्रोजन की जुगलबंदी होती है, उसके बाद ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा कंटेंट में पाया जाता है, फिर नाइट्रोजन, फिर बाकी के सल्फर फास्फोरस आते हैं, गिनती ऑर्डर में, ठीक है? ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मेनली ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सम कंपाउंड्स आर विद नाइट्रोजन एंड उससे भी कम कंपाउंड्स आर विद सल्फर। समझ में आया, समझ में आया आलोक, समझ में आया बेटा? ओके श्रद्धा, आई थिंक श्रद्धा इज गिविंग द आंसर, और हु जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक विधि गेव द आंसर, श्रद्धा चौधरी गेव द आंसर, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, ऐसा स्पीड, ऐसा स्पीड एक एडवांस आईआईटी एडवांस के बच्चों का होता है, वही सारे सिम्टम दिख रहे हैं भाई, एकदम अच्छा स्पीड है। श्रेय एब्सोल्युटली करेक्ट, इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो फटाफट, इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, टेल मी द आंसर। धनंजय वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, जितने लोग भी आंसर दे रहे हैं किसी का आंसर गलत नहीं आ रहा है। तीशा एब्सोल्युटली फाइन बेटा, सभी लोग या वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, सुपर्ब सुपर्ब।
आईआईटी के सिम्टम्स, यस यस, आईआईटी पहुंचने के सारे सिम्टम्स हैं. सो आई थिंक पीपल आर गेटिंग द फॉर्मूला, पीपल आर गेटिंग द फॉर्मूला एज एज C3H5NO2, यस और नो, C3H5NO2, यस और नो, यस और नो, एवरीबडी एवरीबडी. Empirical and molecular formula are same. Yes, empirical and molecular formula are same. चलो कल के पेपर के टाइप के कुछ questions कर लें, कुछ questions कर लें. बच्चा लोग, तुम लोग please time management को ध्यान से समझो, ध्यान से समझो. तुम्हारा exam कल नहीं है, ठीक है, परसों नहीं है, 2023 में है. तुमको अगर टाइम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, गिव दैट मच टाइम टू द क्वेश्चन. अभी इनिशियल फेज में हो, चैप्टर बैकलॉग में ही हुआ है, तो अगर एक दिन में 15 क्वेश्चन भी कर रहे हो आराम से टाइम लेके, तो कोई हरकत नहीं, कोई दिक्कत नहीं. एक केमिस्ट्री लेक्चर से दूसरे केमिस्ट्री लेक्चर में अच्छा खासा गैप है, सो डोंट वरी, टाइम दो. अंडरस्टूड? या सब लोग कर रहे हैं इसलिए मेरा भी उतना ही फास्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है. एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं, सारे के सारे टाइप के प्लांट्स लगा के दू तो क्या वो सेम स्पीड में ग्रो होंगे? बिल्कुल नहीं. क्या उनमें सेम स्पीड में फ्रूट आएगा? बिल्कुल नहीं. कुछ लोग अपने टाइम पे ग्रो होते हैं, कुछ लोग एकदम फास्ट ग्रो के फ्रूट दे देते हैं. तो प्लीज उसकी वजह से ट्री मत कट करो, झाड़ मत काटो भाई, आराम से जिसको जितना टाइम चाहिए उतना दे दो. इनिशियल फेज में सब कुछ टाइम का खेल होता है. इज दैट क्लियर? सो प्लीज बिल्कुल भी नो विधि, इनिशियल फेज में प्लीज शॉर्टकट मारने की कोशिश ना करें, कैलकुलेटर यूज करने की कोशिश ना करें, ठीक है. आराम से कंफर्टेबल हो जाओगे, डोंट वरी, ठीक है, ठीक है. हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग मतलब शायद कैलसी यूज करते हो, ठीक है, लेकिन अवॉइड करो बच्चों, अवॉइड करो, क्योंकि वो तुम्हें हैंडीकैप करता है, ठीक है. हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं इसके डेवलपमेंट के लिए, तुम्हारे उंगलियों के डेवलपमेंट के लिए नहीं. समझ में आया? हाँ, चलो. कल के टेस्ट में कैसे टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं उसके ऊपर, या वरुण, वरुण, या वरुण करे, अरे नाइट्रोप्रोपेन कुछ भी हो सकता है ये. अंडरस्टूड द पॉइंट? चलो आगे बढ़े. हाँ, हाउ टू फाइंड मोल ऑफ अ कंपाउंड इफ ओनली वन एटम इज गिवन सच एज ऑक्सीजन. अगर एक ऑक्सीजन दिया है, एक एटम दिया है, हाँ, उससे उसका अगर वेट दिया होगा तो मैं ऑक्सीजन का मोल निकाल सकता हूं ना, ऑक्सीजन का मोल निकाल सकता हूं. लेकिन लेट मी गिव यू एग्जांपल. मैं क्वेश्चन देता हूं, ओके ओके. आई थिंक किसने, और एक सिद्धेश ने भी यही क्वेश्चन पूछा था, या किसने, अगर मैं KClO3 का डिकम्पोजिशन करूं तो आई विल गेट KCl+3O2, राइट? ओके okay? ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये इक्वेशन रादर, क्वेश्चन नहीं, ये इक्वेशन समझ में आ गया, करेक्ट? ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये वेरी गुड. अब मैं अगर तुमको बोलूं कि KClO3, जिसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट, ओके, इसको तोड़ने से मुझे 12.8 ग्राम ऑफ O2 मिला, तो KClO3 का वेट कितना था, या KClO3 का मोल्स कितना था, ये पता करो. Who has asked this question? किसने ऑक्सीजन सिंगल एटम दिया हो तो हम लोग उससे पता कर सकते हैं क्या? हाँ, अथर्व has asked कि अथर्व, if only one atom is given such as oxygen. अथर्व, मैंने तुमको ऑक्सीजन ही दिया है,
और मैं तुमसे इस कंपाउंड का मोल पूछ रहा हूं। क्या अथर्व, डिड आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन? अथर्व, डिड आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन? NO2 किसी को तो क्वेश्चन चाहिए था। ओके, C3H5NO2। ओके, या तो अभी इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो तुम देखो इसको मोल निकालना है या ग्राम निकालना है। पहले O2 का मोल निकाल लो, 12.8/32। करेक्ट। अरे कोई भी कंबशन हो, कैसे भी हो, तुम मेथड समझो, प्लीज रिएक्शन पे फोकस मत करो, मेथड समझो, मेथड, अंडरस्टूड? तो यहां पर मोल निकाल लो। अभी मुझे बताओ मोल ऑफ KClO3 अपॉन मोल ऑफ O2, कैन आई से 2/3? हाँ या ना, ये देखो ना, 2 इधर 3 इधर, यस और नो? यस और नो, 2/3, यस और नो? क्लियर हुआ? मुझे बताओ तुमको ये वाला कैलकुलेशन करते वक्त आंसर कितना आया? 0.4 आया, बराबर? बराबर। क्या मैं ये आंसर जो 0.4 आया है इधर, क्या मैं उसको NO4 की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? ये जो 0.4 आया है, क्या मैं उसको NO4 की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? ये जो 0.4 आया है, मैं उसे NO4 की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ KClO3, NO4 को इधर लेके जाओ, 2/3 × 0.4। यस और नो? यस और नो? क्लियर? एनी कंफ्यूजन? ओके, सो अब तुमसे मोल पूछा है तो मोल का आंसर लिख दो, या वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके 2/3 × 0.4, ये मॉलिक्यूलर वेट को इधर मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट वेट। तो वेट पूछा और या मोल पूछा, इट्स वन एंड द सेम। किसने पूछा था? अद्वैत, आदित्य, किसने पूछा था? मैं नाम भूल गया, ठीक है? मैं वापिस एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? डरना नहीं है बच्चों, डरना नहीं है। क्वेश्चन को आ रहा, अथर्व ने पूछा था, सॉरी अथर्व। या सो मैं वापिस एक्सप्लेन करता हूँ, मेरी बात सुनो, मैं वापिस एक्सप्लेन करता हूँ। किसका मॉलिक्यूलर वेट? सोहम, किसका मॉलिक्यूलर वेट? हाउ टू गेट मॉलिक्यूलर वेट? मतलब अरे नहीं, मैं हाँ, मॉलिक्यूलर वेट के लिए वो लोग डेटा देंगे ना तुमको, तुमको पोटेशियम क्लोरीन 3 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट निकालना है, 39, 35.5, 16, 3, 48 आ गया। हाँ बोला ना सिमरन, ये वैल्यू ऐड कर लो बेटा, आ गया आंसर, 16, 3, 48। सिमरन, सोहम चिंदरकर, दूसरा सोहम नहीं, सोहम कुलकर्णी, डोंट वरी, सोहम चिंदरकर। ओके, आगे बढ़े बच्चों। अभी मेरा सवाल ध्यान से समझो, क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं कि अगर मैं तुमको 12.8 ग्राम O2 दे दूं, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, दे आर आस्किंग, अगर मैं तुमको 12.8 ग्राम O2 दे दूं, क्वेश्चन की भाषा समझो, ओके? तो KClO3 ये 12.8 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए कितना ग्राम KClO3 होना चाहिए, या तो वो लोग पूछेंगे कितना मोल्स ऑफ KClO3 होना चाहिए। इज दैट क्लियर? यहां तक क्वेश्चन की भाषा समझ में आ गई तुमको? यस और नो? एवरीबॉडी, गुड जॉब भूमि या ओम, वेरी गुड। ओके अथर्व, ओके, वेरी गुड। अनंत, क्वेश्चन ये है कि मैं तुमको एक ऐसे एग्जांपल देता हूं,
कि मैं तुमको पांच डजन मैंगो लाके दिए और मैंने कहा कि भाई इसका कॉस्ट हो गया 2500 रुपए, तो मैंने तुमसे पूछा बता दो एक डजन का कॉस्ट कितना है, एकदम सिंपल, ठीक है, एकदम सिंपल। यहां पर ऑक्सीजन का डेटा दिया था, ओके, हाँ सिद्धेश, वो पुराने अभी एक टॉपिक पे चल रहे तो पुराना वाला बीच में मर्ज मत करो बेटा, लिंक टूटता है। मेरा एक एक्सप्लेनेशन हो गया ना, उसके बाद वो क्वेश्चन डालो। मैंने क्वेश्चन पहले भी एक्सप्लेन किया है, वापस कर दूंगा, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन चालू है ना तो मिक्स करोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन में ऑक्सीजन का डेटा दिया, ठीक है, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन इतना है, ऑक्सीजन ही क्यों, तुम वो लोग केसीएल के बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन में ऑक्सीजन दिया और बोला कि अगर इतना ऑक्सीजन आ रहा है तो तुम्हारा KClO3 कितना था इतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए। बैलेंसिंग इज नेसेसरी, बिना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तुम कोई भी न्यूमेरिकल करना तुम्हारे जीवन में पाप है, अंडरस्टूड, तुम्हारे जीवन में पाप है, बहुत घोर अनर्थ हो जाएगा, समझ में, अनर्थ क्या, माइनस वन हो जाएगा भाई, जीवन का सबसे बड़ा अनर्थ हो जाएगा। या दैट ऑल्सो अभिजीत, दैट ऑल्सो वी कैन डू, मतलब, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं अभिजीत, अभिजीत मैं ये मोल वाले मेथड से तुमको ज्यादा कंफर्टेबल कर रहा हूं, मोल वाले मेथड से ज्यादा कंफर्टेबल कर रहा हूं, क्योंकि ये मेथड जो है हम आगे धीरे धीरे अपने को डिफिकल्ट क्वेश्चन में ये मदद करेगा आपको, नहीं तो यूनिटरी मेथड तो इसका बराबर है ना, 2 मोल ऑफ KClO3 मतलब मॉलिक्यूलर वेट कितना है उसका, ग्राम, KClO3 का वेट कितना आया, 245 ग्राम, करेक्ट। तो ये मेथड भी अभिजीत हाईलाइट कर रहा है कि सर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना, 2 KClO3 मतलब 245 ग्राम गिव्स मी 3 × 32, 3 × 32 ग्राम ऑफ O2, देयरफॉर 12.8 ग्राम मुझे x ग्राम ऑफ KClO3 रहेगा तो मिलेगा। You understood the question? Even Abhijit, Abhijit is suggesting this point. It's not wrong. Abhijit is suggesting this point. ये सही है. Mole ratio लेके करो, ये method से करो, one and the same. But मैं ये वाला method पे तुम्हें ज़्यादा comfortable करना चाहता हूँ. ज़्यादा comfortable. Question समझा? अथर्व, point समझ में आ गया? अथर्व. हमेशा yield 100% प्रोडक्ट का आएगा ये जरूरी नहीं है। श्रेय मेरी बात समझो बेटा, हमेशा तुमको प्रोडक्ट 100% प्योर रहेगा, हाउ यू नो श्रेय, हाउ यू नो श्रेय, yield 100% होना चाहिए, हाउ यू नो दैट, शायद उसमें कुछ इंप्यूरिटी हो, yield इज नेवर 100% एक्चुअली, सो yield 100% नहीं है, मुझे यहाँ पे कुछ भी इंप्यूरिटी हो सकती है, लेकिन KClO3 जितना भी ग्राम आया वो तो प्योर के हिसाब से ही आया ना। तुम्हारा आंसर कितना आया, KClO3 का आंसर कितना आया मुझे बताओ, मुझे बताओ KClO3 का आंसर कितना आया। तुम लोग अगर क्रॉस, कुछ लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ओके, 0.268 ग्राम, 0.268 ग्राम ऑफ KClO3 आया, बराबर, कितना कितना 3 मोल आया या 0.268 ग्राम आया, बोल रहे थर्टी टू पॉइंट सेवन ग्राम है, कोई एक जन आंसर बताओ भाई, कोई एक आंसर बताओ, ओके चलो ऋतुजा, 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 अच्छा 0.268 मोल्स आ रहा है क्या, 0.268 मोल्स आ रहा है क्या, अच्छा 32.7 ग्राम आ रहा है,
हाँ 32.7 पकड़ लो. ओके तो ये 32.7 जो है ना वो एग्जैक्ट उतना ही वेट है, जरूरी नहीं. ओके ओके 0.26 मोल, ठीक है, प्योर नहीं होगा, 100% प्योर नहीं होगा, मेरी बात समझो. बच्चों मैं ये मेथड वापस समझाता हूं. 2KClO3 gives 2KCl plus 3O2. मैं इसको दो मेथड से करने की कोशिश करता हूं. ऋतुजा यू हैड दिस डाउट राइट? ऋतुजा या आंसर इज सेम, आंसर इज सेम. ओके मैं सबसे पहले अभिजीत पाटिल ने जो मेथड बोला मैं उसको करता हूं. मास मेथड मतलब वेट कंपैरिजन मेथड. अभिजीत पाटिल ने बोला कि सर दो मोल ऑफ KClO3 मतलब 245 ग्राम KClO3 जब मैंने यूज किया तो 3 × 32 मतलब कितना आएगा, 96 ग्राम ऑक्सीजन आया. इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? क्लियर? यस. सिंस इतना ग्राम, ये डेटा कहां से आया? स्टैंडर्ड इक्वेशन से आया. ये डेटा कहां से आया? स्टैंडर्ड इक्वेशन से आया. देयरफॉर 12.8 ग्राम O2 के लिए x ग्राम KClO3 लगेगा. ओके ये मेथड समझा? थ्री इंटू थर्टी टू तीन ओ टू है ना, एक ओ टू 32 ग्राम है तो तीन ओ टू कितना होगा, एक ओ टू 32 ग्राम है तो तीन ओ टू कितना होगा, या इसका मॉलिक्यूलर वेट जनरली देते हैं, एक KClO3 का मॉलिक्यूलर वेट है 122.5, इधर तुमने कितना यूज किया, दो KClO3, तो इधर हो गया 245. ये मेथड समझा? तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं. x हो जाएगा 12.8 इंटू 245 अपॉन 96. बच्चा लोग आगे बढ़ू, बच्चा लोग आगे बढ़ू, डरना बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, डरना बिल्कुल भी नहीं है. मोहित मैं असाइनमेंट 3 डिस्कस करूंगा आफ्टर आई गिव यू द ब्रेक, सो प्लीज होल्ड ऑन. ओके या इसका आंसर आ गया. चलो ये हो गया मास मेथड. अब आया मोल मेथड. सर हम लोगों ने एग्जाम में दोनों मेथड से करना है? बिल्कुल नहीं, तुम कोई एक ही मेथड से करोगे. ठीक है, इसका आंसर आया 32.6 ग्राम समथिंग. हाँ या ना? अच्छा अब मुझे बताओ मोल रेशियो मेथड, मोल ऑफ KClO3 अपॉन मोल ऑफ O2 कितना है, 2/3. अमन हाँ पोटा, ये एटॉमिक वेट का जो डेटा है वो क्वेश्चन में देते हैं बच्चों, एटॉमिक वेट का डेटा क्वेश्चन में देते हैं, तो डरना नहीं है. या तो डायरेक्ट को लोग ये वैल्यू दे देंगे या तो इंडिविजुअल का एटॉमिक वेट देंगे. ओके डरना बिल्कुल नहीं है. समझ में आया मैंने क्या कहा? यस और नो, यस और नो. ओके अभी क्या मैं ऐसे लिख दूं, मोल ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू मोल ऑफ O2. बच्चा लोग जल्दी, बच्चा लोग जल्दी जल्दी, डर रहे कुछ लोग, डर रहे कुछ लोग, डर रहे. प्रॉब्लम से मत डरो, प्रॉब्लम को डराओ. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू वेट ऑफ O2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2. क्या मैंने सही लिखा है? डरना नहीं है बच्चों प्रॉब्लम से, डरपोक लोगों के लिए चीजें डिफिकल्ट होगी, डराने वाले लोगों के लिए चीजें आसान होंगी. क्या ये सही लिखा है?
मोल को वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल को वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्लियर? यस और नो? ओके, सो देयरफॉर वेट ऑफ KClO3 जो हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट को इस तरफ ले जाओ, 122.5 2 बाय 3 इंटू वेट ऑफ O2 दिया है 12.8, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 है 32. अब ये सॉल्व करो, और ये सॉल्व ऑलरेडी किया है, क्या तुम्हारा आंसर? अमन प्लीज होल्ड ऑन, अमन प्लीज होल्ड ऑन, तुम्हारे क्वेश्चन को वैसे ही रखो, प्लीज होल्ड ऑन, अननेसेसरी कंफ्यूज नहीं होना है. अमन तुम्हारा आंसर ये रहा, यहां पे मैंने 2 into 122.5 किया, ये देखो ना, 2 into 122.5 विच इज 245, 3 into 32 से डिवाइड किया, 3 into 32 इज 96, 12.8 into 245, 12.8 into 245, 12.8 upon 96, 12.8 upon 96. Don't you think it is the same calculation, Aman? Yes or no? समझ में आया? आंसर वहीं पहुंचोगे, ये मेथड लो या ये मेथड लो, यू विल रीच सेम पोजीशन. तुमको जैसे ही वेट आ गया उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके मोल्स निकाल लो. क्या तुम्हारा आंसर मैच हो रहा है? वेट ऑफ KClO3 मैच हो रहा है 32.6. डरना नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी डरना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा होगा क्वेश्चन, थोड़ी देर बाद इसका सोल्यूशन समझ में आएगा. डराओ क्वेश्चन को, डराओ, तुम मत डरो. हाँ, हमें एक क्वेश्चन के बाद, ये क्वेश्चन अगर सबका सही आया तो ब्रेक मिलेगा. क्वेश्चन एक्चुअली इजी है. द वेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, द वेट, कल ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, द वेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड C60H122 इज हाउ मच? C60H122. क्वेश्चन क्या है प्लीज समझो, वेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, वेट ऑफ मॉलिक्यूल, यस, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता बेटा, रिकॉर्डिंग जरूर देखो, लेकिन ऑफकोर्स रिकॉर्डिंग देखने के बाद व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हो. इसका वेट बताओ कितना आया, पहले क्वेश्चन बताओ, वेट ऑफ मॉलिक्यूल मतलब क्या, वेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड मतलब क्या पूछ रहे, बोलो वेट ऑफ मॉलिक्यूल क्या पूछ रहे, क्वेश्चन की भाषा समझो. तुम लोग मुझे इसका जो भी आंसर दे रहे हो ना, ओके, या स्मिथ, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट. वेट ऑफ मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल का, C60H20 के एक मॉलिक्यूल का वेट कितना है, एक मॉलिक्यूल. तुम मुझे एक मोल का वेट बता रहे हो, 842 ग्राम, ओके. अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट आया 842 ग्राम लिखोगे तो एक मॉलिक्यूल नहीं, उसको AMU लिखो. उन्होंने ऑप्शन क्या दिया है पता है? ऑप्शन फर्स्ट है 1.4 × 10⁻²⁻¹ ग्राम, ऑप्शन टू है 1.09 × 10⁻²⁻¹ ग्राम, सी है 5.025 × 10⁻²³ ग्राम, एंड डी है 16.023 × 10⁻²³ ग्राम. विच वन इज करेक्ट? या आर्यन, एब्सोल्युटली, ये जो तुमको आंसर आया, कुछ लोगों ने ग्राम बोला, अरे रॉन्ग है, एक मॉलिक्यूल पूछा, मतलब AMU. अब AMU को ग्राम में करने के लिए जो भी आंसर आया, C60H122 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, वो प्लीज कैलकुलेट करो, प्लीज कैलकुलेट करो. अंडरस्टूड? प्लीज कैलकुलेट करो. 12 × 6 = 72, ये 720 और इसका 122, ओके. सो AMU को क्या करेंगे, AMU को हम लोग क्या करेंगे, 842 × 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम, बराबर. अब मुझे बताओ कौन सा आंसर मैच हो रहा है.
अब मुझे बताओ, आधी जनता आंसर दे रही है, ऑफकोर्स दे रही है आधी जनता आंसर, क्वेश्चन समझा। अच्छा मुझे बताओ अब इस क्वेश्चन को कौन सी कैटेगरी में डालोगे, इजी, एवरेज या डिफिकल्ट? हाँ मोहित, अरे भाई डिफिकल्ट नहीं है यार ये क्वेश्चन। ओके मॉलिक्यूलर वेट निकाला, एक ही मॉलिक्यूल के बारे में पूछा है तो लिखूंगा एएमयू, 824 एएमयू, बट मैंने ऑप्शन में देखा कि उन्होंने एएमयू की तरह क्वेश्चन ही नहीं दिया है, ग्राम में दिया है, तो मुझे इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आंसर है फर्स्ट वाला 1.4 × 10⁻², या फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 1.4 × 10⁻²। समझा तो इजी, ऑफ कोर्स टाइम दो, मैं कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चन को इट इज लाइक वो ना आपसे को सोचने पे मजबूर करता है, अरे कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, कौन सा मेथड लगाऊं, इसलिए। हाँ श्रेय बराबर, शायरी मारो बेटा तुम। लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, फिर हम लोग सभी लोग क्लास में रहेंगे, यू आर नॉट सपोज टू लीव एंड कम बैक अगेन, सभी लोग क्लास में रहेंगे, खुद को म्यूट करके रखें, 10 मिनट्स ब्रेक, वी विल जॉइन एट 3:10, ओके 3:10। या गुड आफ्टरनून भाई, क्वेश्चन आंसर ऑफ लास्ट क्वेश्चन क्या था, KClO3 वाला कर रहे थे ना हम लोग। या तीशा वेलकम बैक, या आई एम बैक, या अच्छा वो वाला, हाँ 1.4 × 10⁻²-21 ए वाला ऑप्शन था, 1.4 × 10⁻²-21 का। हाँ अमन 10 मिनट में बेटा सर ऊपर जाके वापिस नहीं आए, हेलो सर हाउ आर यू। मधुरा मॉलिक्यूलर वेट निकाला था, मॉलिक्यूलर वेट कितना आया था उसका, 842 एएमयू, कितना आया 842 एएमयू आया था, कितना आया था मॉलिक्यूलर वेट, रुको घाई मत करो, मॉलिक्यूलर वेट कितना आया था मल्टीप्लाई करो, तुम लोगों ने एक क्लेम किया 842 एएमयू आया था ना एक मॉलिक्यूल का वेट, तो इसको 842 को 1.66 × 10⁻²-24 को छोड़ो, 842 को 1.66 से मल्टीप्लाई करो जल्दी, 842 को 1.66 से मल्टीप्लाई करो, नहीं मुझे सिर्फ ये मार्क किया हुआ वैल्यू ही चाहिए। (1397.7 × 10⁻²-24 ग्राम) जिसको मैं लिख सकता हूं 1.397 × 10⁻²-21 ग्राम। डेसिमल शिफ्ट कर सकता हूं बच्चों, यस और नो। अभी मेरे दिए गए ऑप्शन में ऑप्शंस है 1.4, 1.09, 5.025 एंड 16.023, यानी एक ही आंसर जो है वो 1.4 के आसपास आ रहा है, वो है 1.39, अंडरस्टूड, इसलिए मैंने ए ऑप्शन मार्क कर दिया। डेसिमल ये पावर हो जाएगा ना, ये 10⁻², इसको ऐसे लिखेंगे ना 139, जैसे 1000 को लिखते हैं डेसिमल शिफ्ट किया तो लिखेंगे 1 × 10⁻³, वैसे इसको लिखेंगे
1397 को लिखूंगा 1.397 इंटू 10^3, यस और नो? डेसिमल शिफ्टिंग देखो, और ऑलरेडी 10^-24 था, तो 3 × -24 क्या हो जाएगा? अंडरस्टूड? चलो असाइनमेंट 3 पे आ जाओ. असाइनमेंट 3 वाला क्या था क्वेश्चन? नंबरिंग में थोड़ा एनेक्स 3 वाला क्वेश्चन था क्या? अमंग द फॉलोइंग यही वाला है ना अपना, पेयर ऑफ कंपाउंड द वन दैट स्टेट्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. या चलो अभी इसमें फटाफट सिर्फ डाउट वाले, प्लीज डोंट आस्क 1, 2, 3, 4. क्वेश्चन 1, 2, 5 चलते हैं. मैं ये टाइप का सम अब ये कर लेते ना, फटाफट कर लेते ना. सो 1, 2, 5 असाइनमेंट का, 1, 2, 5 असाइनमेंट का कौन सा क्वेश्चन? एक ने क्वेश्चन 3 रेज किया है. चलो क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं. इफ एनी एवोगाड्रो नंबर, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन, इफ एनी. मैंने तुम सभी लोगों को मैम का नंबर दिया है, ठीक है? सभी लोग मैम के नंबर, मेरा स्क्रीन फ्रीज हुआ है? नहीं, मेरा स्क्रीन फ्रीज हुआ है? नहीं ना, क्लियर है? यस. चलो ये वाला देखते हैं. If Na is Avogadro number, then valence electron in 4.2 gram of nitride iron. 4.2 gram of nitride iron. Okay? मुझे एक बात बताओ. Correct answer for all the question. मैं एक काम करता हूँ, तुमको answer की भिजवा देता हूँ after the class. तो तुम लोग answer की से cross check करना अपना answer. ठीक है? मैं answer की भिजवा देता हूँ सभी को. तो तुमने जो solving किया है, तुम्हारा हो जाएगा. अभी उन्होंने कितना दिया है? नाइट्राइड आयन, यानी यहां पर वैल्यू दिया है N^3 - आयन, बराबर. तो यहां पे सवाल क्या है? मोल्स ऑफ नाइट्राइड आयन कितना होगा? 4.2 ग्राम अपॉन 14 इज 0.3 मोल्स. यस और नो? यस और विधि, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है. अरे भाई ये देखो, नॉर्मल रहता है ना, नॉर्मल नाइट्रोजन. तुमसे ये एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा एरर हो सकता है, कोई बात नहीं. नॉर्मल नाइट्रोजन इज 2.5, लेकिन इन्होंने N^3- बोला. ऊपर नेगेटिव चार्ज आना मतलब इधर एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. एब्सोल्युटली करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3 आई एम डूइंग अथर्व. 8 इलेक्ट्रॉन आया. 8 रादर आई शुड से दैट 8 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. रादर आई शुड से 8 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो क्या हो जाएगा ये? 8 इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो हो जाएगा 8 Na. क्वेश्चन क्या पूछा है? तुमको कितना मोल्स आया? 0.3. 8 × 0.3 moles will be equal to 2.4 moles. This is your answer. किसको डाउट था ये? किसको डाउट था? ओके चलो 5 तक क्लियर है. 6 to 10. अच्छा मोहित, फोर्थ वाले में भी डाउट है? कृष्णा, फोर्थ वाले में भी डाउट है? चलो फोर्थ वाला देख लेते हैं. मुझे बताओ यहाँ पे फोर्थ वाले में O2 और SO2 के बारे में जो डेटा है कि टू कंटेनर PNQ ऑफ इक्वल वॉल्यूम. कृष्णा थर्ड हो गया. कृष्णा थर्ड वाला ये रहा. N^3 कंटेन 8 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. 1 mole of N^3
contains 8 moles of electron, Krishna. Therefore, 0.3 moles of N3 minus will contain how much? Clear hua? Clear hua? Yes or no? Vimi, wapis batata. N normal, neutral nitrogen mein 2.5 matlab 5 valence electron hote. Vimi. 5 valence electron hote. Electron, 5 valence electron hote. N raised to 3 minus will be how much? N raised to 3 minus will be how much? N raised to 3 minus will be 2. पहले से 5 present थे. 3 minus क्यों आया? क्योंकि उसने extra 3 electron gain किया. इसलिए plus 3. मतलब valence shell में अब है 8 electron. यानी अब हो गया 2.8. समझ में आया? तो एक N3 माइनस में 8 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तो 0.8 में कितने होंगे? फोकस ऑन दिस बॉक्स. 8 मोल ऑफ N3 माइनस में 8 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 0.83 मोल्स में कितना? (4.2)N14 कैसे आया? ये 4.2 उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, देखो. क्वेश्चन में दिया है, देखो. 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन दिया है कि नहीं दिया है क्वेश्चन में? भाई क्वेश्चन में दिया है. विमी होल्ड ऑन. ये देखो भाई साहब, मुझे एक बात बताओ. एक टर्म देखो. तुम लोग मुझे बोल रहे हो, सर आपने मोल्स और इलेक्ट्रॉन क्यों लिया? ओके, मुझे एक बात बताओ. 14 नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट है. 14 कहां से आया? मतलब नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट है. नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस चार्ज है, 3 नाइट्रोजन नहीं. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है? हाँ या ना? एटॉमिक नंबर 11 है. एक मोल ऑफ सोडियम अगर मैं लू ना, 1 मोल ऑफ सोडियम, is equal to 23 ग्राम. ये बराबर लिखा है मैंने, जल्दी देखो, ये बराबर लिखा है मैंने. ओके, हाँ, माइनस 3 चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लिखा है मैंने, क्योंकि ऊपर नेगेटिव चार्ज. तो मुझे एक बात बताओ, 1 मोल ऑफ सोडियम में 11 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, या और इट विल बी जस्ट 11 इलेक्ट्रॉन? सोच के बोलो. तुम्हारा जो भी आंसर तुम्हारे दिमाग से आएगा, मैं उसके हिसाब से चलूंगा. 1 मोल ऑफ सोडियम में 11 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, या सिर्फ 11 इलेक्ट्रॉन होंगे? अच्छा, जो लोग भी आंसर 11 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, यानी तुम्हारा बोलने का मतलब है 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10^23 एटम्स ऑफ सोडियम में, इतने सारे एटम्स ऑफ सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन, इतने सारे एटम्स में सिर्फ 11 इलेक्ट्रॉन है. मतलब वो लोग ने क्या आधा आधा ऐसे बांटा है, गरीबों में बांटा है? क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? समझ में आया मैंने इसे मोल ऑफ सोडियम को मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों लिखा? मतलब 11 इलेक्ट्रॉन तुम सारे बांट लो आपस में. मतलब गरीबी की भी हद होती है कि 11 इलेक्ट्रॉन आपस में बांट लो. अरे 11 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट इज 11 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो
इतने एक मोल ऑफ सोडियम में 11 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, या वेदांत अब क्या बोले इसको, ठीक है समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसलिए मैंने कैलकुलेशन क्या किया, मेरी बात सुनो, नाइट्रोजन पे न्यूट्रल नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन था, फिर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, अच्छा 5 इलेक्ट्रॉन या आई शुड राइट 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ एन, 1 मोल, समझ में आया, या ठीक है, ये समझा, यहां पे समझा, यहां पे समझा, 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 मोल ऑफ एन माइनस लिख रहा हूं, माइनस एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो कैन आई से अब इसके पास 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, वैलेंस, हाँ वैलेंस, हाँ या ना, सब लोग गणित समझो, मैं एकदम इजी करने की कोशिश करूंगा जब तक तुम समझोगे नहीं। अब इसमें मैंने और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, एक मोल ऐड करते जा रहा हूं, एक एक मोल, नॉट एक इलेक्ट्रॉन, एक एक मोल, दिस इज मोल, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, दैट इज मोल, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ एन रेज टू 2 माइनस, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, मीनिंग समझ में आया, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन या 7 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, रादर आई शुड से 1 मोल ऐड किया, तो 1 मोल ऑफ N3 माइनस हो जाएगा, नाइट्रोजन एक ही है, ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन आ गया। किसी ने मुझसे पूछा कि सर आपने डिवाइड बाय 14 क्यों किया था, रीजन, तो ये हो गया 8 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो देयरफॉर कैन आई से 1 मोल ऑफ एन रेज टू 3 माइनस गिव्स 8 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, हाँ या ना, सभी को समझ में आया बच्चों, पीछा, एक ही नाइट्रोजन में मैंने 3 बारी इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तीसरा एक ही नाइट्रोजन में 3 बारी इलेक्ट्रॉन ऐड किया, नाइट्रोजन तो एक ही है, सभी लोग नाइट्रोजन तो एक ही है ना भाई, मैंने 3 बारी इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो नाइट्रोजन नाइट्राइड का गिवन वेट है 4.2, ये गिवन है। मैंने किसी ने मुझसे पूछा सर आपने डिवाइड बाय क्या किया, तो डिवाइड बाय 14 किया, कितना आया आंसर, 0.3 मोल, बराबर ना, कितना आता है इसका 0.3 मोल। अभी जिनका भी डाउट था कि मैंने डिवाइड बाय 14 क्यों किया, समझा उनको मैंने डिवाइड बाय 14 क्यों किया, भाई साहब नाइट्रोजन एक ही है, N3 नहीं है, N रेस टू 3 माइनस है, मतलब उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना, समझ में आया बच्चों, समझ में आया बच्चों, यस और नो, ओके बच्चे लोग, जितना भी हो तुम लोग कोशिश करो समझने की, आई हेट समवन जो डरपोक है, बिंदास मुझसे 10 बार पूछो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन डरने वालों को बिल्कुल भी मदद नहीं करता मैं। देयरफॉर 0.3 मोल्स ऑफ एन थ्री माइनस कितना होगा, समझ में आया सभी को, बच्चा लोग जिनको भी डाउट था समझ में आया, यस बच्चा लोग जिनको भी डाउट था, ओके चलो अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ कर रहे थे, फोर्थ कर रहे थे सेकेंड वाला भी इरिस्पेक्टिव ऑफ, अरे सेकेंड वाला तो इजी है, सेकेंड वाले का आंसर क्या है, कम ऑन किड, सेकेंड वाले का आंसर क्या है बच्चा लोग, कम ऑन, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, पीपल आर क्लेमिंग सेकेंड इज सी, कॉन्स्टेंट कॉम्पोजिशन ऑलवेज यील्ड्स दिस मच ऑक्सीजन, अरे तो ऑफकोर्स
चलो फोर्थ वाला, टू कंटेनर पी एंड क्यू कंटेन 6 ग्राम ऑफ O2 एंड SO2 रिस्पेक्टिवली, ओके, देन 6 ग्राम पी और क्यू, पी नाम का कंटेनर है जिसमें 6 ग्राम O2 है और दूसरा कंटेनर क्यू नाम का है जिसके अंदर क्या है, 6 ग्राम SO2 है, ठीक है, तो देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अरे मोल्स निकालो अपने आप आंसर आ जाएगा, मोल्स निकालो, मोल्स निकालो अपने आप आंसर आ जाएगा, 6 का मोल निकालो, कम ऑन, मोल ऑफ O2 कितना हो जाएगा 6/32 और मोल ऑफ SO2 कितना हो जाएगा 6/64, ठीक है, कौन सा आंसर मैच हो रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड कृष्णा, वेरी गुड, अदर्स ऑल्सो यू आर कंफ्यूज्ड दैट ऑप्शन क्वेश्चन वन इज हैविंग मल्टीपल आंसर, अच्छा क्या क्वेश्चन वन को मल्टीपल आंसर है, क्या क्वेश्चन वन को मल्टीपल आंसर है, नो एक ही आंसर मैच हो रहा है, दैट इज डी, आई थिंक दैट इज डी, एकदम इजीली मैच हो रहा है, CuO एंड Cu2O, डी यस, Cu वन का फर्स्ट वाले की बात करो, चलो 6 to 10 चले, 6 to 10 ओनली वन आंसर, या सोहम आई अग्री, सोहम कुलकर्णी, यस ओनली वन आंसर, 6 to 10 6 to 10 कम ऑन 6 to 10 एवरीवन, 6 to 10 फोर्थ क्वेश्चन हो गया तीशा, फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ वाले में डाउट है, फिफ्थ में डाउट है किसी को, फिफ्थ में, या सिक्स्थ एंड नाइन्थ मैंने नोट कर लिया, सिक्स्थ करेंगे और नाइन्थ करेंगे, फिफ्थ में डाउट है कृष्णा, फिफ्थ में डाउट है, फिफ्थ में डाउट है सोहम, चलो फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा फिफ्थ वाले में हाउ मेनी नंबर ऑफ 21% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम इन 1 लीटर, 1 लीटर में 21% इज ऑक्सीजन, ये डिफिकल्ट है, क्वेश्चन क्या दिया देखो, 1 लीटर में 21% ऑफ 1 लीटर, 21% ऑफ 1 लीटर कितना हो जाएगा 0.21 लीटर ना, ओके, एट एसटीपी बोला है ना, तो तुम्हारा आंसर थोड़ा सा वेरी करेगा बिकॉज ये पुराना क्वेश्चन है, तो तुम्हारा आंसर थोड़ा सा वेरी करेगा, उन्होंने 22.4 लिया होगा, तुमको लेना है 22.7, तुम्हारा आंसर थोड़ा सा वेरी करेगा, 22.7 ले लो, 22.7 ले लेना, 0.00963 ऐसा किसी ने आंसर बोला, बराबर बराबर, तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, या ए ऑप्शन मैच हो रहा है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सिक्स्थ वाले में, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, द वेपर डेंसिटी द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 11.2 ग्राम ऑफ गैस एट NTP विल बी हाउ मच, ओके कोई बात नहीं, सिक्स्थ वाला करते, उन्होंने अभी जितने भी क्वेश्चन अब के पेपर में आएंगे ना, तुम्हें 22.7 ही लेना होगा, 22.7 ही लेना होगा, क्यों, क्योंकि अब हम लोग जो भी क्वेश्चन करते हैं वो उसी वैल्यू के हिसाब से करते हैं, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 11.2, अच्छा वेपर डेंसिटी अगर 11.2 है तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 22.4, ये देखो ये पुराने वॉल्यूम पे है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ या ना, 22.4 मॉलिक्यूलर वेट आना चाहिए, तो मुझे एक बात बताओ, अब ये लोग पूछ रहे हैं कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 11.2 लीटर ऑफ गैस, अच्छा 22.4 लीटर गिव्स 22.4 ग्राम, सॉरी 22.4 लीटर, हाँ 22.4 ग्राम, तो 11.2 लीटर कितना ग्राम होगा,
ये देखो ना, स्टैंडर्ड वॉल्यूम इज 22.4, मॉलिक्यूल 4, तो 11.2 लीटर अगर दिया तो ऑब्वियसली वेट क्या होगा, 11.2 ग्राम. क्लियर? यस, आगे बढ़ते हैं. सिक्स के बाद आई थिंक नाइन्थ वाला ओमकार ऑप्शन बी आ रहा है, दैट्स करेक्ट. मैं वापस बताता हूं, तुमको वेपर डेंसिटी 11.2 दिया है, ठीक है? एक मिनट मेरी बात सुन. वेपर डेंसिटी 11.2 दिया है, मॉलिक्यूलर वेट आया 22.4. मुझे एक बात बताओ, मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है एक एक सिंपल सा कैलकुलेशन. एक मीथेन का वेट है 16 ग्राम, एक मोल ऑफ मीथेन का वेट है 16 ग्राम, एक मोल मीथेन का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर. क्या मैंने ये सही लिखा है? क्या मैंने सही लिया लिखा है? एक मोल ऑफ मीथेन का वेट 16 ग्राम है और एक मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4. एक मोल ऑफ CO2 44 ग्राम है, उसका एक मोल, एक मोल मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है एक मोल का मास. मॉलिक्यूलर वेट मतलब एक मोल का मास. इज दैट ओके? इज दैट ओके? यस. तो इसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर. एक मोल का वॉल्यूम. चलो क्लियर हुआ, किसी को अगर डाउट है तो. मुझे अगर मॉलिक्यूलर वेट आया 22.4 ग्राम, तो कैन आई से ये एक मोल ऑफ सब्सटेंस होगा? हा या ना? हा या ना? मॉलिक्यूलर वेट का मतलब ही है एक मोल ऑफ सब्सटेंस. और एक मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर. मैं तो इसको देख के जवाब दे रहा हूं ना, इसको मत, नंबर मैच हो रहा है इसमें, मैं क्या करूं? मैं बोल रहा हूं एक मोल का वेट इज मॉलिक्यूलर वेट, एक मोल का वॉल्यूम इज 22.4 लीटर. क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ? यस और नो? यस और नो? एवरीबॉडी क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं. यहां तक क्लियर हो गया? ओके. सो अगर 22.4 लीटर का मॉलिक्यूलर वेट 22.4 है, तो 11.2 लीटर का कितना होगा? सेम 11.2. समझ में आ गया बच्चों? नाइन्थ पे चलू? नाइन्थ पे सेवेंथ का बी है. अच्छा अमन, क्या डाउट है जरा पूछो. अमन, क्या डाउट है? या ओम, सेवेंथ पे आता हूं. अमन का डाउट, या रिद्धि, आई विल बी सेंडिंग द. अमन, वन मोल ऑफ सब्सटेंस का वॉल्यूम कितना है? 11.2 ग्राम ही होता है. और मतलब सिक्स वाले का आंसर आई थिंक 11.2 है. हाँ, वेदांत इज सेइंग 22.4 लीटर. वन मोल ऑफ गैस होगा तो इट इज 22.4 लीटर. अमन, ये क्लियर हो क्या? वन मोल ऑफ गैस, कोई ऐसा गैस है जिसका वेट 22.4 ग्राम है. मुझे वो गैस का नाम नहीं पता, लेकिन मुझे वेट आ गया 22.4 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट से आया. वेपर डेंसिटी इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर वेट. अमन, मॉलिक्यूलर वेट जो भी होता है ना, वो एक मोल ऑफ सब्सटेंस का वेट होता है. अमन, ये क्लियर हुआ? ओके. तुम अपने को क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने बोला है? अच्छा, वॉल्यूम फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है. यानी क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, एक मोल ऑफ गैस विच इज 22.4 ग्राम, एक मोल मतलब 22.4 ग्राम
Can I say it occupies 22.4 liter volume? Aman. Yeah. So since ये कैसे आया, ये मॉलिक्यूलर वेट जो आंसर आया मेरा, मॉलिक्यूलर वेट हमेशा एक मोल ऑफ सब्सटेंस का वेट होता है, करेक्ट करेक्ट. तो देयरफॉर अगर तुमको 11.2 ग्राम दिया है वो गैस, तो उन्होंने पूछा ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ये बताओ. अमन कैन यू क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो. या करेक्ट करेक्ट वेदांत, दैट्स करेक्ट. सो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ऑफकोर्स 22.4 कैंसिल हो जाएगा. यू विल गेट द आंसर एज 11.2 लीटर. अमन समझा बेटा अभी? अमन समझा. आई थॉट उन्होंने क्वेश्चन लीटर में दिया था और ग्राम ढूंढना है, बट नहीं, क्वेश्चन ग्राम में दिया और वॉल्यूम ढूंढना है. ठीक है, ये देखो छोटा छोटा, धीरे धीरे समझेगा, कोई डाउट प्रॉब्लम नहीं है, टाइम लगेगा बट समझेगा. ओके, सेवेंथ वाले का आंसर क्या है? सेवेंथ वाले का, अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 to 4 ml ऑफ H2 एट HCP ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट H2SO4. या टेंथ भी कर लेते हैं, सिक्स्थ हो गया, सेवेंथ कर रहा हूं, नाइन्थ करना है और टेंथ करना है. ठीक है, तो जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2. इज दिस ओके बच्चा लो? ओके, ओमकार इज क्लेमिंग आंसर टू बी बी ऑफ 7. ओके, तो चलते हैं उस आंसर पे. ये हो गया रिएक्शन सेवेंथ वाले का. अभी जिंक का वेट होता है 65 ग्राम. यहां तक क्लियर है? 65 ग्राम. ये एक मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस कर रहा है. कोई मुझे बता सकता है एक मोल ऑफ H2 मतलब कितना वॉल्यूम होता है? एक मोल ऑफ गैस मतलब कितना वॉल्यूम होता है, कोई बता सकता है? हाँ, रुद्रा इज करेक्ट, 22.7. लेकिन ये पुराना है तो थोड़ा सा आंसर में वेरिएशन होगा. तो कैन आई से 65 ग्राम ऑफ जिंक gives me 22,700 ml of H2. Correct? Correct. तो उन्होंने सवाल क्या पूछा है? Therefore, कितना है question? 2 to 4 ml of H2 will require dash gram of zinc. एक काम करूं बच्चों, उन्होंने अपने को 224 दिया है, इसको 22400 ले लेता हूं क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है, तो उस समय का मतलब चेंजेस अभी ऐसा नहीं हुआ है. चलेगा 22400. ओके, मुझे बताओ अब आंसर कितना आया सेवेंथ का. कोई किसी ने मुझे 0.65 बोला. बी आंसर है 0.65 ग्राम. या तो दिस इसका आंसर होगा 0.65 ग्राम ऑफ दिस. इज दैट ओके? चलो, तो सेवेंथ वाला हो गया. अब चलते हैं नाइन्थ वाले. BaCO3 का कितना वेट दिया है? हाँ, एट्थ वाला भी चाहिए. ओके, एट भी करते हैं, नाइन्थ वाला भी करंट कर लेते हैं, अभी चालू किया है. एट्थ आंसर इज बी. अच्छा, BaCO3 का कितना वेट दिया हुआ है? क्वेश्चन क्या है BaCO3 वाला? नाइन पॉइंट एट फाइव. बेरियम का तुमको मास देके रखा है 137.
तो अभी हम लोग नाइन्थ वाला करते हैं. बी ए सी ओ थ्री बको थ्री गिव्स बी ए ओ प्लस सी ओ टू. तो सी ओ टू का वॉल्यूम देखना, गड़बड़ मत करना. बी ए सी ओ थ्री का मॉलिक्यूलर वेट निकालो सभी लोग. श्रेय वेरी गुड वेरी गुड. बी ए सी ओ थ्री का मॉलिक्यूलर. ओमकार वेरी गुड. बी ए सी ओ थ्री का मॉलिक्यूलर वेट निकालो. कृष्णा करेक्ट. बी ए सी ओ थ्री का मॉलिक्यूलर वेट 197. कृष्णा 197. रश्मि 197. एवरीबडी एवरीबडी ओके. 197 ग्राम ऑफ बी ए सी ओ थ्री गिव्स हाउ मच? 22.4 लीटर ऑफ सीओ टू. वन मोल है ना. तो देयर फोर 9.85 ग्राम विल गिव हाउ मच? विल गिव हाउ मच? क्लियर? आंसर मैच करो, आंसर मैच करो. डरना नहीं है. सॉल्विंग से लोग डरते हैं, भाग जाते हैं, डरते हैं, भाग जाते हैं. ठीक है, भागने वालों के लिए रिजल्ट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. लड़ते रहो, लड़ते रहो. चार बार गिरोगे, 10 बार उठने की कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं. 1.12 लीटर. चलो नाइन्थ हो गया. अब समवन इज हैविंग डाउट इन एट. चलो एट वाला करते. एट का आंसर क्या आया लोगों को? अरे CO2 दिया है ना भाई. 44 ग्राम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 44 ग्राम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट सर. 7 एंड 9. अरे 9 तो अभी समझाया ना मैंने. 22.4 लीटर तो 4.4 ग्राम कितना लीटर करेगा? कम ऑन 2.24. क्या सिंपल कैलकुलेशन है. तो 8 हो गया. 10th वाले पे आ जाओ. या दैट्स करेक्ट. टेंथ वाले पे आ जाओ. टेंथ वाले पे लोग आंसर भी दे रहे. 10 डीएम क्यूब ऑफ एन टू एंड 10 डीएम क्यूब ऑफ एक्स हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. द गैस एक्स इज. बच्चा लोग दोनों ही 10 डीएम क्यूब है. 10 डीएम क्यूब ऑफ एन टू एंड 10 डीएम क्यूब ऑफ एक्स दोनों के सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है. मॉलिक्यूल्स आर सेम. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेम. देयरफॉर कैन आई से अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेम, देयरफॉर कैन आई से उनका नंबर ऑफ मोल्स सेम होगा. या तीशा करेक्ट 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 तीशा. अगर उनका नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो डोंट यू थिंक उनका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा. यस, N2 का मॉलिक्यूलर वेट है 28. तुम्हारे ऑप्शन में से कौन सा ऐसा बंदा है जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 28? क्या बात है तीशा, वेरी गुड. CO. करेक्ट. समझा? समझा? यस और नो. सीओ 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 का वेट आता है 28. तो ये 10th वाला भी हो गया. ओके 11 to 14. चलो 11 to 14 एनीबडी. ऑफकोर्स 11 वॉज एक्सपेक्टेड कि डाउट होगा. ओके लास्ट वन 14. ओके सोहम 11th वाला मेरा एक्सपेक्टेशन था कि डाउट होगा. ओके मेरी बात सुनो. क्वेश्चन उल्टा पूछा है उन्होंने. 7.5 ग्राम एक कोई रैंडम मास दिया है. वो लोग कह रहे हैं ये 5.6 लीटर ऑक्यूपाई करता है. रैंडम मास, रैंडम वॉल्यूम. ओके रैंडम मास. तो अगर मैं स्टैंडर्ड वॉल्यूम लू तो तुम मुझे बता सकता है इस स्टैंडर्ड वेट को हम लोग क्या कहेंगे? कमन कमन रैंडम वेट कहेंगे या कुछ स्पेशल नाम है इस वेट का? रैंडम वेट कहेंगे
नो 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 मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, या इसी को तो मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं, करेक्ट। तो तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो और चेक करो कौन सा ऑप्शन का मॉलिक्यूलर वेट इस आंसर से मैच हो रहा है। कौन सा आंसर? आंसर इज बी, आंसर इज बी। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। ट्वेल्थ वाला आ गया, ट्वेल्थ वाला, ट्वेल्थ वाला आ गया, ट्वेल्थ वाला। क्या लिखा था? सर कैन दिस क्वेश्चन बी डन यूजिंग फाइंडिंग नंबर ऑफ मोल्स? ऑफ कोर्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालो। 7.5 ग्राम ऐसा लिख सकता है ना, मोल्स आए तो यहाँ पे मोल इज 5.6 अपॉन 22.4, और इसको लिख दो मोल की जगह गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ढूंढना है, इट्स वन एंड द सेम। ट्वेल्थ का भी ओके हाँ, ये थर्टींथ वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, थर्टींथ वाला। कितने लोगों को आ गया थर्टींथ वाला आया लोगों को? अभी देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछा है ना, तो अभी जैसे CO2 में बोला, CO2 का जितना भी मोल्स आया, लेट मी गिव यू एग्जांपल, CO2 आया 5 मोल्स ऑफ CO2, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। उन्होंने मॉलिक्यूल पूछा है कि एटम पूछा है? मॉलिक्यूल पूछा है कि एटम पूछा है? क्वेश्चन नंबर 13, एटम पूछा है या मॉलिक्यूल पूछा है? एटम्स पूछा है। तो कैन आई से एक CO2 में एक, मतलब सिंस वन मोल ऑफ CO2 कंटेन्स 3 मोल्स ऑफ एटम्स, बराबर, ये बराबर लिखा है, वन मोल ऑफ CO2 कंटेन 3 मोल्स ऑफ एटम्स। भूमि यू विल गेट इट, मैम से कोऑर्डिनेटर से बात करो तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो 5 मोल्स में कितना एटम्स, तो 15 मोल्स ऑफ एटम्स, ठीक है। सो 13-14 इजी है, ट्राई करो इन क्वेश्चंस को, कल ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे पेपर में। असाइनमेंट रिवाइज करो, टॉपिक रिवाइज करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कौन सा 3 असाइनमेंट आया तुम्हारे ग्रुप में, कौन सा 3 असाइनमेंट आया? 12th का आंसर क्या था, 12th का आंसर क्या था? बी था ना, 12th का, 1/12, या 12th का आंसर वाज बी। 13th का आंसर क्या आया, 13th का आंसर की डालने वाला हूं मैं, या थर्टींथ इज सी एंड 14th इज ऑल्सो सी, या दैट्स करेक्ट, 13C 14C, ओके ठीक है। चलो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। सो टेस्ट के लिए तैयार रहें, ठीक है, टेस्ट के लिए तैयार रहें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, टेस्ट को अच्छे से दें, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, वो सब तुमको कोऑर्डिनेटर कन्वे कर देंगे, ओके। चलो बाय, सी यू किड्स, बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन। कृष्णा 13 वाले में डाउट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछा ना, तो मोल्स कैलकुलेट करो, मोल्स के हिसाब से इनटू जितने भी एटम्स है उससे मल्टीप्लाई कर दो। टेस्ट ज्योति बहुत इजी है, वन मोल ऑफ CO2, एक CO2 में एक कार्बन और दो ऑक्सीजन है ना, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? कृष्णा नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? अंडरस्टूड, 3 हो गए ना, यानी एक मोल ऑफ CO2 में अगर 3 मोल्स ऑफ एटम है, तो तुमको जो भी मोल्स आएगा उसको इंटू 3 कर दो, तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। कृष्णा समझ में आया? कृष्णा समझ में आया? हाउ डू यू डू क्वेश्चन 14? या 14 वाले में क्या है? हाँ, मॉलिक्यूलर वेट निकालो ना इसका,
Na2SO4 डॉट 10H2O, इसका मॉलिक्यूलर वेट मतलब ये वाले तो पता ही है 322 ग्राम अभी हम लोगों ने किया था, कंटेन्स ऑक्सीजन ऐड करो 10 ऑक्सीजन और 4 14 ऑक्सीजन, 14 इंटू 16 करो वेट बताओ ईशा, 14 इंटू 16 का वेट बताओ जल्दी ईशा, 14 कैसे लिया देखो, 4 ऑक्सीजन इधर है, 10 इंटू ओ मतलब 10 ऑक्सीजन इधर, टोटल 14 ऑक्सीजन है, 14 ऑक्सीजन का वेट बताओ, वेट 14 ऑक्सीजन का वेट बताओ तीसा, या दैट्स करेक्ट 224 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देयरफॉर 32.2 ग्राम विल कंटेन हाउ मच 22.4 ग्राम, ये आंसर है तीसा, अंडरस्टूड तीसा, अगर 322 ग्राम में 224 ग्राम ऑक्सीजन है में कितना, 13th वाला बता देता हूं, थर्टींथ वाले का आंसर लोगों ने सी कहा था, तो सी वाले में देखिए कितना दिया है, 22.4 लीटर ऑफ CO2, मतलब कितना होता है 1 मोल ऑफ CO2 मतलब 6.023 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, उनको एटम्स चाहिए, दैट्स करेक्ट, तो एक CO2 में तीन होते हैं, तो 3 × 0.3, ये इसमें ही सबसे ज्यादा आ रहा है, बराबर है, बाकी वैल्यू चेक कर लो, सी वाला करेक्ट है, 13 का सी वाला, 22.4 लीटर बोला मतलब एक मोल, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके, आंसर ए और सी सेम आ रहा है, आंसर 13 का ए और सी सेम है, कैसे ए और सी सेम होगा, ए में उन्होंने 6.023 × 10⁻²⁰ बोला है भाई, 10⁻²⁰, इधर 10⁻²³ है, हाउ ए एन सी आर सेम, हाउ ए एन सी आर सेम, समझ में आया, किसी ने बोला ए और सी सेम दिया हुआ है, ठीक है, कैसे सेम आएगा वो, ओके, फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला पी और क्यू आया था ना कृष्णा, फोर्थ वाला ये आया था ना केशव, ये मैं वापस दोहराता हूं, तुमको जो एग्जाम में क्वेश्चन होंगे एचटीपी मतलब 22.7 लेना है, ये पुराने क्वेश्चन है, इसलिए कैलकुलेशन में तुमको 22.4 लेके करो तो आंसर एकदम सिंपल आ जाएगा, 300 केल्विन की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दो कंटेनर पी और क्यू रखा है, वो लोग दोनों एक ही टेम्परेचर पे है, इसलिए उन्होंने कहा है 300 केल्विन, उसका सॉल्विंग में कोई यूज नहीं है, उसका सॉल्विंग में कोई यूज नहीं है, एम आई क्लियर, एम आई क्लियर, या वी वुड टेक 22.7 इन टेस्ट, ओके, व्हाट्सएप वाला नंबर भेज दो, किसका व्हाट्सएप वाला नंबर भेज दो, एनटीपी 22.4, हाँ इवन दैट कुड डू, एनटीपी पे 22.4, एसटीपी पे 22.7, ओके, मैं आंसर की भिजवाता हूं, यू विल गेट द आंसर की, आराम से क्रॉस चेक करो, ठीक है गाइस, चलो, या ओमकार कोई प्रॉब्लम नहीं, बाय, व्हाट्सएप वाला नंबर किस लिए, किसका व्हाट्सएप नंबर चाहिए, किसका व्हाट्सएप नंबर, किसका व्हाट्सएप नंबर, या बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर, ओके बाय, टेक केयर, बाय, टेक केयर ओमकार,
हाँ हाँ श्रेय वो वाला, हाँ हाँ ठीक है मैं सॉल्व, वो मुझे याद है। चलो बाय, टेक केयर, बाय बाय।